Well, hello, Forever World. We've made it. After 3 years away of in-person events at the Global Rally, we're right here in Abu Dhabi together again, and it feels fantastic. And you know, the global leaders, they're the elites. We treat them right. We decided we'd send them to a super exclusive location. We transported them to Casa Al Sarab, which is in the middle of the Arabian desert. And let's take a look at the fun they had over at the GLT summit. Welcome here in Dura Island for our new product launch. Welcome to it. You guys want to know what the product is? Let's take a look. DX4! Woo! Yes! This is a product that will revolutionize your business. I want you to think back a while ago, for those of you that were C9 fans. That pushed our business forward for a number of years. This is the next step forward. What do you think of DX4? Are you ready? I mean, not only personally for you to use it yourself, but think about how this can really boost and energize your business, right? Just being here, the DX4 was launched. We have a lot more things that we're going to be sharing that are really going to have amazing impact on their business. We're so committed to this, and we know that it's been a tough couple years. Of course it has been. The pandemic changed the world for all of us.
सो हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार सभी को, सत श्री अकाल। होप सो आप सब बढ़िया होंगे और आप सभी रेडी होंगे आज के सेकंड डे के लिए, वर्कशॉप के लिए। और जैसे आपको पता ही है कि हमारी टीम फायर की जो वर्कशॉप चल रही है एएस एंड अबव, जिसमें आप सबको उन सभी लीडर्स को सुनने का मौका मिल रहा है और उन सबसे वो नॉलेज लेने का मौका मिल रहा है कि जो लीडर इस बिजनेस से वो सारी अचीवमेंट्स कर चुके हैं, जो एफएल के जितने भी मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग अचीवमेंट्स हैं, वो सारे सीनियर्स है ना। कल आपने काफ़ी सीनियर्स को सुना है और बहुत अच्छी आपको नॉलेज मिली होगी और बहुत वैल्यू आपके बिजनेस में ऐड हुई होगी, जिससे आपका जो बिजनेस है वो अगस्त महीने में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, बढ़ेगा। सो आज सेकेंड डे है जी, और वेलकम है अगेन आप सबका आज सेकेंड डे में। होप सो मे बी आप सबको मेरी वॉइस और जो वीडियो है वो क्लियर आ रही होगी। मैं एक मिनट प्लीज मैं यूट्यूब पे चेक कर लेता हूँ। और वेलकम है अगेन। सो ओके ठीक है, थैंक यू जी। मेरा नाम नगिंदर सिंह है जी और इस कंसेप्ट से जुड़े 9 साल हो चुके हैं। 2015 से एफएलपी का पार्ट हूँ और इस बिजनेस में आने से अगर मैं पहले बात करूँ, क्योंकि तो आज हम मीटिंग एएस एंड अबव है, ठीक है, और आज भी आपको बहुत सारे जो हमारे टॉप के लीडर्स हैं उनको मेरे से बात सुनने का मौका मिलेगा। और आप सब ने डायरी पेन लेके आज की जो वर्कशॉप है इसको अटेंड करना है, ठीक है। सो मैं स्टार्टिंग में अपनी जर्नी से शुरू करता हूँ जी। नाम नगिंदर सिंह, डेरावसी पड़ता है चंडीगढ़ के पास में, पंजाब में, और इस कंसेप्ट से जुड़े 9 साल मेरे को हो चुके हैं। 2015 से इस बिजनेस का पार्ट हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले अगर मैं बात करूँ, ग्रेजुएशन करी अपनी, आफ्टर ग्रेजुएशन एक छोटी सी नौकरी के साथ अपने करियर की स्टार्टिंग करी थी, शुरुआत करी थी। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक कंपनी है मोहाली में ही, आईडीएस इन्फोटेक, जहाँ पे मेरे को जॉब मिली थी। और ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है उस जॉब से, 8150 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल मंथली ग्रॉस सैलरी, 8150 रुपये। ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, नाम विलेज तहसील डेरावसी डिस्ट्रिक्ट मोहाली है ना। और उस जॉब से मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग करी थी, शुरुआत करी थी। और थोड़े टाइम के अंदर ही समझ में आ गया था कि जॉब में कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, बड़ा भी छोटो, आप अपने लिए भी बंदा कुछ नहीं कर पाता अकेला सिंगल, क्योंकि ना उस टाइम शादी थी, मैरिज हुई थी मेरी, है ना। और एक टाइम मतलब ये चीजें दिमाग में लगी थी आने उस टाइम कि 8000 में भाई अगर आज इतना मुश्किल से गुजारा चल रहा है अकेले बंदे का, कल को शादी होगी, बच्चे होंगे, महंगाई बढ़ रही है, तो उस टाइम कैसे हम सर्वाइव करेंगे। तो ऑलरेडी मैं सर्चिंग में था कि कोई और पार्ट टाइम काम मिले जहां से मैं और एक्स्ट्रा कमा सकूं, 2000, 5000, 10000 महीना कमा सकूं। तो फाइनली फॉर एवर लिविंग लाइफ में आई, इस कंसेप्ट को देखा, अंडरस्टैंड करा, समझा और ज्वाइन करा। सबसे नीचे डेट लिखी हुई है 27/6/2015, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करा था, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को। स्टार्टिंग में अपना एएस लेवल डन करा, एएस लेवल करने के बाद इनकम आनी शुरू हुई। और आप सबको पता ही है कि दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो पहले महीने से ही हमें लाखपति बना दिया ना। सो उस टाइम इतना ज्यादा शायद डेवलप भी नहीं था सिस्टम जितना आज डेवलप हो चुका है, क्योंकि आज आपके साथ वो लोग खड़े हैं, पूरी टीम फायर आपके साथ खड़ी है, जो आपको सपोर्ट करके आपको पहले महीने ही 20,000, 30,000 कैसे कमाना है वो सारा कुछ सिखा रहे हैं। बट उस टाइम की अगर मैं बात करूं, अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम मैं कर रहा था और मेरा स्टार्टिंग में पे आउट आया था 268 रुपये 41 पैसे, जीरो से स्टार्टिंग करी। देन उसके बाद 8 महीनों के बाद मेरा लेवल हुआ एक सुपरवाइजर लेवल। जून 2015 में फॉर एवर लिविंग को ज्वाइन किया, फरवरी 2016 में पूरे 8 महीनों के बाद मेरा एक लेवल हुआ था सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर मेरा पे आउट आया था 18,114 रुपये, ठीक है। देन आगे मैं बात करूं, फिर उस टाइम टोटली ऑफलाइन ही वर्किंग थी हमारी सारी, उस टाइम ऑनलाइन तो 1% भी नहीं था ना। तो आज मोस्टली काम, जैसे आपको पता ही है कि हमारा ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है, और ये आज की मीटिंग भी आप घर पे बैठे ऑनलाइन ही अटेंड कर रहे हैं ना। सो पूरे 1 साल के बाद 8 महीने पार्ट टाइम किया नौकरी के साथ और अगले 4 महीने फुल टाइम, मतलब बिजनेस को ज्वाइन करने के पूरे 1 साल के बाद, जून 2015 में ज्वाइन किया था, जून 2016 में मेरा लेवल हो गया था मैनेजर, और फर्स्ट पे आउट मेरा मैनेजर पे आया था 88,000 88,965 रुपये 34 पैसे, है ना, ये 83,000 समथिंग अकाउंट में, 5160 TDS कट के मेरे अकाउंट में आई थी, है ना। और उस टाइम मेरे सीनियर हैं साथ में खड़े हैं, मिस्टर जसप्रीत जी, ठीक है। सो सर की मैं बात करूं, सर उस टाइम मलिंदर क्लब का सर को वो मिला था एक टैग, है ना, मलिंदर क्लब सर ने क्वालिफाई किया था। और आज आप सभी सर को जानती हैं कि इस बिजनेस से खुद की BMW गाड़ी सर इसमें से बाय कर चुके हैं ना।
सो 2015 में इसको शुरू करा, 2017 में खुद की गाड़ी ली i20। क्या बहुत प्राउड फील होता है जी कि जब हम अपनी इनकम से कोई भी अचीवमेंट करते हैं ना। सो बहुत खुशी हुई उस टाइम, क्योंकि स्प्लेंडर मोटरसाइकिल था मेरे पास जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, और गाड़ी के बारे में कभी सोचा ही था, क्योंकि नौकरी में तो बंदा सोच ही नहीं सकता कि जॉब में मैं गाड़ी भी बाय कर लूंगा ना। बट इस बिजनेस की पावर है, विद इन 2 ईयर, 2 सालों के अंदर ये गाड़ी मैंने घर पे खड़ी कर दी थी, 9 लाख की गाड़ी, ठीक है जी। देन उसके बाद आज अगर मैं लेटेस्ट पे आउट की बात करूँ, ये सारे पे आउट पड़े हैं, एवरेज अर्निंग आज है ना 2 लाख के करीब आज एवरेज अर्निंग इस बिजनेस से मैं अर्न कर रहा हूँ। और 2 साल पहले ही मेरे को मेल आई थी फॉर एवर लिविंग से कि जो आपकी इनकम है इस बिजनेस से 1 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है। ग्लोबली इस बिजनेस को देख चुका हूँ, 4 से 5 बार इंटरनेशनल जाने का मौका मिला, ग्लोबल रैली अटेंड करने का मेरे को मौका मिला है, और ईगल मैनेजर अटेंड करने का मौका मिला है, ठीक है, 2019 में। सो प्राउड फील होता है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का पार्ट है, जिस अपॉर्चुनिटी के अंदर पूरे दुनिया के लोग इन्वॉल्व हैं, पूरे दुनिया के लोग इस बिजनेस का पार्ट बन के अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सो सेम ऑप्शन आज हमारे पास है जी, सिस्टम बहुत बड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, हेलो। और आपको सपोर्ट करने के लिए सिस्टम बहुत बड़ा है ना, T564। बस अब आपकी बारी है जी, आपने मेहनत करनी है, एफर्ट करना है, और मेहनत करके ये सारी चीजें आपने भी अचीव करनी है, ठीक है। ये यहाँ पे जो आपको दिखा रहा हूं मैं, ये सब आपका फ्यूचर है, आप भी एफर्ट करें, मेहनत करें, 101% आपकी भी लाइफ ऐसी या इससे बहुत बढ़िया इस कंसेप्ट से बन सकती है, ठीक है। और इसी जो लास्ट महीना गया, जुलाई, 16 जुलाई को है ना, एक और थोड़ा सा मैं इस बिजनेस में मतलब एक एक स्टेप और है ना, जो एक ड्रीम था कि हाँ एक और बढ़िया गाड़ी मैंने बाय करनी है, और पिछले मंथ ही 16 जुलाई को है ना, मैं इस बिजनेस से सेकंड कार अपनी बाय कर चुका हूँ। पहले i20 ली थी, अब स्कॉडा स्लाविया जो है ना उसका टॉप मॉडल, इसी कंसेप्ट से लास्ट मंथ में बाय कर चुका हूँ। ये एक छोटी सी क्लिप है, ये आप देख सकते हैं। तू मैनू गबरू करते नू तैनू आए ने मुल मोड़ना चाहना तेरे तौलिया दा सारी उम्र तू बापू मेरा करिया हुण बोझ तू मैनू दे दे तेरे रौलिया दा जिनू टिक दे टें दे नू लोकी टिचरा करते सी ओह पर्वत वांगू छाती ताने खलो गया दुनिया दी केड़ी शै चाहीदी दस बापू पुत तेरा हुण इन्ने जोगा हो गया। सो बहुत प्राउड फील होता है जी कि इस कंसेप्ट का पार्ट है, कि जस्ट कंसेप्ट से मैं आने से पहले मतलब अगर मैं ये बोलूं कि घर में शायद एक गाड़ी भी नहीं थी है ना, सिर्फ 2 व्हीलर था, स्प्लेंडर एक मोटरसाइकिल था, तो आज इस कंसेप्ट से मैं खुद की 2 गाड़ियां है ना आज इसमें से बाय कर चुका हूँ, और दोनों गाड़ी है ना i20 भी आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ घर पे, और एक न्यू कार और अपने घर पे है ना एक एड कर चुका हूँ। सो ये पावर है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, इस बिजनेस की, इस अपॉर्चुनिटी की। और करना क्या है जी, सिंपल सा काम है कि आप सबने मेन जो स्टेप है, क्योंकि आप सभी AS हैं आज और AS अबव आज का सेशन हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है जी नॉलेज का, लर्निंग का। इस बिजनेस में आपको जो सबसे ज्यादा जरूरत है ना, लेवल्स सभी ने अचीव करने हैं, सभी ने आगे बढ़ना है, सभी ने ग्रो करना है ना, तो लेवल्स अचीव करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है जी कि आप अपनी ग्रोथ करें ना, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, अपनी स्किल बढ़ाएं। आप लेवल्स के पीछे यहाँ पे भागोगे ना तो लेवल आगे आगे भागते रहेंगे, आप अपने पीछे भाग रहे हो, अपनी स्किल्स के पीछे भाग रहे हो, तो जो लेवल्स हैं वो आपके पीछे भागेंगे, ठीक है। सो आपने करना क्या है जी, मैक्सिमम जो टाइम है ना अपने ऊपर लगाना है, अपनी ग्रोथ करनी है। ग्रोथ मीन्स आपने अपनी नॉलेज में नॉलेज को ग्रो करना है, आपकी स्किल है ना, जो भी स्किल्स इस बिजनेस में चाहिए हमें पता ही है कि इनविटेशन स्किल, फॉलो अप स्किल है ना, प्रेजेंटेशन स्किल, या उसके बाद क्लोजिंग स्किल, जो भी हम स्किल्स इस बिजनेस में हमें आगे लेके जाएंगी, हर स्किल हमने सीखनी है, और हर स्किल में ये बोलो कि PhD करनी है, पूरा परफेक्ट बनना है, ठीक है। और हम ये चीजें काम करते हैं, इन चीजों के ऊपर काम करते रहो, 101% फॉर एवर लिविंग हमें वो कुछ दे सकती है जो शायद हमने सोचा ना हो, ठीक
यार मैंने नहीं सोचा था स्टार्टिंग जब ज्वाइन किया था बिजनेस को कि इस कंसेप्ट से मैं फॉरेन भी घूमूंगा, गाड़ियां भी लूंगा, है ना, और आज मेरे साथ इतने लोग और भी ग्रो करेंगे, कामयाब होंगे। सो ये पावर है फॉर एवर लिविंग प्लेटफॉर्म की, मतलब शायद सपनों से बढ़ के फॉर एवर लिविंग हमें देती है। तो जरूरी है कि हम बस अपने ऊपर काम कर लें, सबसे बस सिंपल सा हमने काम करना है, नॉलेज नॉलेज ले लें हर चीज की। और नॉलेज देने के लिए आपको सारा सिस्टम बना हुआ है, सारे सीनियर सारा सपोर्ट सिस्टम आपको दे रहे हैं, वो सारा कुछ बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट इस बिजनेस के अंदर जो हमारी है जी, वो कह जी कम्युनिकेशन स्किल है ना, कि मेन बिजनेस स्किल का है ना, कम्युनिकेशन स्किल का। सिस्टम बहुत बड़ा है हमारे पास, कंपनी बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बट उनको बताना, उनको रिप्रेजेंट करना हमें आना चाहिए, समझ रहे हो। सिस्टम तो बहुत बड़ा है जी, बस उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं वो बहुत मैटर करेगा। वो रिप्रेजेंट हम बोल के ही करेंगे किसी बंदे को ना, बता के करेंगे। तो इसके अंदर आपकी जो मेन चीजें आती हैं वो आती है वे ऑफ टॉकिंग, ड्रेसअप, बॉडी लैंग्वेज, है ना। तो इन चीजों पे हमें खास ध्यान देना है, ठीक है। अपनी टॉकिंग बढ़िया, एक आप बढ़िया कॉन्फिडेंस से बोलें, आप क्लियर बोलें, है ना, और एक एक चीज जो आप कन्वे करना चाहते हैं मैसेज, हो ना, वो क्लियर मैसेज हो आपका, इन चीजों में आपने काम करना है ना। आपके कॉन्फिडेंस हो, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हो आपकी, है ना, आप डर के ना वहां पे बोल रहे हो। और ड्रेसअप का बहुत बड़ा रोल है जी, अगर आप ऑनलाइन भी काम कर रहे हो चाहे ऑफलाइन भी, है ना, ऑनलाइन में भी ड्रेसअप का बहुत बड़ा एक इफेक्ट पड़ता है, बट ऑफलाइन में तो 101% आपका ड्रेसअप बहुत जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि आप इस किसी को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो ना। तो बंदा एक बार हमें चेक करेगा, देखेगा, अगर ऑनलाइन बैठे तो ऑनलाइन भी हमें देखेगा, वो हमारा बैकग्राउंड कैसा है, हमारा ड्रेसअप कैसा है ना, या ऑफलाइन में रहे तो ऑफलाइन तो बंदा देखेगा ही देखेगा, सिर से लेके ना पैर तक हमें 10 बार देखेगा बंदा, कि भाई लगता भी है ये बात के तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है कि मैं बिजनेस प्रोवाइड करता हूँ, मैं ये करता हूँ, बट एक बार वो दूसरा बंदा हमें देखेगा तो वहां पे हमारा ड्रेसअप और हमारी बोल चाल, है ना, कैसे क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत मैटर करेंगी। इन चीजों पर हमें जरूर इंप्रूवमेंट करनी है, इनके ऊपर काम हमने करना है। सो आज का टॉपिक हम थोड़ा शॉर्ट में चलूंगा, क्योंकि टाइम आप सबको पता ही, जैसे कि आधे घंटे का टाइम होता है हम सबके पास। आगे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनसे आपको बहुत बढ़िया नॉलेज आज मिलने वाली है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, फॉलो अप। फॉलो अप क्या होता है जी? हाँ जी, मे बी आप सबको देखो फॉलो अप क्या है, कि एक पर्सन का आपने प्लान किया है ना, प्लान करने के बाद बहुत सारे पर्सन का ना कई बार हम फॉलो अप छोड़ देते हैं, है ना, उनको दोबारा फॉलोअप कॉल ही नहीं करते। फॉलोअप के अलग अलग वो हैं, तरीके हैं, बहुत तरीकों से आप फॉलोअप कर सकते हैं, बट मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कि फॉलोअप है ना जो, वो यहाँ पर लिखा हुआ फॉलोअप इज कंपल्सरी, है ना, फॉलोअप कोई ऑप्शनल नहीं है कि आपने करना है नहीं करना है। किसी बंदे को प्लान दिखाना बहुत जरूरी है ना, हाँ जी, किसी को प्लान दिखाएंगे, इनवाइट करेंगे, तभी पर्सन हमारे साथ बिजनेस में आता है। जैसे प्लान दिखाना जरूरी है, इनवाइट करना जरूरी है ना पर्सन बिजनेस में, ऐसे ही फॉलोअप भी कंपलसरी है। कई बार हम क्या करते हैं जी, एक छोटी सी हम इनवाइट कर लेते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद प्लान दिखा देते हैं बंदे को, सारा कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत लगाने के बाद पर्सन के ऊपर छोटी सी एक कॉल नहीं करते उसको, एक कॉल करके उसको बताते नहीं कि हाँ जी भाई अब मिलके शुरू करते हैं हम काम को, है ना। इतना सा भी हम, मतलब हमें ये होता है कि पता नहीं बंदा खुद, नो डाउट, बहुत सारे पर्सन मैसेज कर देते हैं हमारी प्रेजेंटेशन देख के, हमारा सिस्टम देख के, कि हाँ जी बताइए आगे कैसे करना है, बट हमारी जिम्मेवारी है कि हम जरूर एक बार पर्सन को कॉल करें कि हाँ जी ब्रदर, सो आपको इतना बड़ा सिस्टम देखा है तो आप मिलकर शुरू करते हैं ना। तो ये एक कंपल्सरी होना चाहिए आपके बिजनेस में। तो बहुत सारे पर्सन को हम खो देते हैं बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ क्या, छोटा सा काम नहीं करने के कारण, वो क्या जी, फॉलोअप। सो फॉलोअप जरूर लगाना है आपने, और जो भी हम एफर्ट्स लगा रहे हैं ना, लिस्ट बना रहे हैं, ना राइट पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं, शेयरिंग द अपॉर्चुनिटी विल गो वेस्ट इफ यू डोंट कंक्लूड इट विद इफेक्टिव, ना, अगर आपका इफेक्टिव फॉलोअप नहीं है, तो जो लिस्ट बनाई है, जो प्लान किया है, जो जो आपको मैं बता ही चुका हूँ, वो सारा कुछ फिर हमारा क्या जी, वेस्ट हो जाता है। एक पर्सन के ऊपर करी हुई मेहनत जीरो हो जाती है कई बार, जब हमारा इफेक्टिव फॉलोअप, फॉलोअप कौन सा जी, फॉलोअप अकेला फॉलोअप नहीं, इफेक्टिव फॉलोअप, कि आप वर्ड क्या यूज कर रहे हो, वर्ड ये नहीं बोल रहा फोन करके कि हाँ जी भाई करना है कि नहीं करना है, सिस्टम देखा है आपने, बिजनेस देखा है आपने, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देख, नहीं, एक इफेक्टिव कि हाँ जी ब्रदर, सो अब आप समझ चुके होंगे कि हम उस इंडस्ट्री का पार्ट बन रहे हैं, कि जो इंडस्ट्री आने वाले टाइम की इंडस्ट्री है, फ्यूचर का बिजनेस है, इंडिया में बहुत बड़े लेवल बढ़ने जा रहा है, सो फिर हम मिलकर शुरू करते हैं, मैं आपको फॉर्म का लिंक सेंड करता हूँ या फॉर्म फिल कराते हैं आपका, जैसे भी आप फिल कराते हैं, है ना। तो आप एक पॉजिटिव कि हाँ जी आओ मिलके शुरू करते
करते हैं, एक इफेक्टिव फॉलोअप आपका होना चाहिए, आपकी आवाज में दम होना चाहिए, कॉन्फिडेंस से आपका फॉलोअप होना चाहिए ना। टाइमली फॉलोअप बहुत जरूरी है, ये नहीं कि परसों का आज प्लान किया 4 दिन के बाद कॉल कर रहे हैं हम, है ना, कि हाँ जी भाई आपने 4 दिन पहले सिस्टम देखा था, आपने कुछ बताया नहीं, रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ ये नहीं वो नहीं। उसको रिस्पॉन्स मतलब टाइमली कॉल उसके पास जानी चाहिए आपकी, आपका प्लान हुआ है उसको, चाहे आपने रिकॉर्डर सेंड किया, जैसे भी आप अपना न्यू पर्सन मीटिंग लगाते होंगे या रिकॉर्डर भेजते होंगे आप किसी पर्सन को, या फिर आप लाइव उस पे जूम ऐप पे या वन बाय वन जैसे भी आप प्लान करते हो किसी पर्सन का, उसका फॉलोअप आपको टाइमली लगाना है विद इन 24 आवर, है ना, 24 आवर, 24 घंटे के अंदर उसका फॉलोअप जरूर लगना चाहिए। मतलब आज शाम को अगर 6 बजे मीटिंग हुई है ना न्यू पर्सन, तो उसको करें 8 साढ़े 8 बजे कॉल, एक बार 2 ढाई घंटे के बाद ही आप कॉल कर जानी चाहिए आपकी कि हाँ जी ब्रदर, सो क्लियर हुआ, आपको समझ में आई कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का हम पार्ट हैं, कितने बड़े बिजनेस का हम पार्ट हैं, और यहाँ पे आपका फ्यूचर कितना सेफ है, फ्यूचर कितना ब्राइट है ना, वो चीजें बात करके आप और उसका फॉर्म फिल कराएं, उसको शुरुआत कराएं, और उसको थोड़ा सा सिस्टम है ना आप बताएं कि हाँ जी अब हमारा 3 दिन का बैच है, 5 दिन का बैच है, ये है वो है ना, तो उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा कि आप बिजनेस को आगे शुरू कैसे करना है। ठीक है ना, ये 3 दिन का बैच आपने पूरे ध्यान से अटेंड करना है, डायरी पेन लेके नोट्स बना के आपने भेजने हैं, एक एक चीज आपने ऐड करनी है जी अपने उसमें, कि इम्पोर्टेंस बतानी है बंदे को कि हमारे ये ट्रेनिंग फ्री में नहीं मिलती, आप लकी हो कि आपको फ्री में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आपको फ्री में तभी प्रोवाइड करेंगे जब आप लिंक बना के सॉरी नोट्स बना के हमें सेंड करेंगे ना, तो एक एक चीज की इंपॉर्टेंस बताया करो, जब इंपॉर्टेंस बताएंगे आप हाइप क्रिएट करके, तब पर्सन को वैल्यू होती है उस सिस्टम की, उस बिजनेस की, है ना। सो फर्स्ट फॉलोअप शुड बी डन इमिडिएटली आफ्टर शेयरिंग द प्लान, नेक्स्ट फॉलोअप शुड हैपन नेक्स्ट डे, है ना, मतलब आपका जब प्लान हुआ उसके इमिडिएटली आप उसको कॉल आपकी जानी चाहिए कि हाँ जी तो हम करते हैं शुरू, है ना। उसके बाद पेशेंस, मतलब कई बार क्या होता है जी फॉलोअप में पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है ना, जब हम फॉलोअप लगा रहे हैं कि कई बार ये नहीं होता कि एक बार कॉल करी, एक बार कॉल करके ही पर्सन हमारे साथ कहेगा कि हाँ जी ठीक है या करूंगा या नहीं करूंगा ना, कई बार बंदा हाँ जी मैं बिजी हूँ या मैं घर से बाहर हूँ, ये हूँ, तो आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है, तो कॉल आपकी है ना आज कॉल करी आपने, तो उसको बोलो कि हाँ जी आप बताइए मेरे को कब फ्री है, मैं आपको आप मेरे को बता दें कि कल या परसों कब कॉल करूं आपको, एक टाइम लेके, एक उससे टाइम लेना है अपने, फिर उसको उस टाइम के अकॉर्डिंग आप कॉल करें, है ना। तो इस सारे चीज के लिए ना आपके पास डायरी जरूर होनी चाहिए, एक डायरी जिसमें आप प्रॉपर लिखें कि पर्सन का फॉलोअप हो चुका है, उसने बोला कि मैं आज फ्री नहीं हूँ, आज मैं घर वालों के साथ हूँ, मैं कल को बात करूंगा, फिर कल को बात करेंगे, हाँ जी कल बिजी थे आप तो आपने बोला था कि कल बात हम करेंगे, तो आप बताइए जी कि आपने सिस्टम, वो सारा जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं उसके ऊपर आपने फॉलोअप, मतलब बहुत सारे पर्सन हमने देखे हैं कि एक बार फॉलोअप लगा के नहीं, शायद 6 6 महीने जिनका फॉलोअप चलता रहता है ना, 6 6 महीने के बाद ही बिजनेस में आ जाते हैं, एक एक साल के बाद, दो दो साल के बाद ही बंदे बिजनेस में आ जाते हैं। ठीक है, अनशन कर रहे हैं, दो दो साल के बाद भी पर्सन बिजनेस में आ जाते हैं जिनको आज आप प्लान दिखा रहे हो, और आपके वो फॉलोअप में हैं, आपका उनके पास नंबर सेफ है, आपका आपके पास उनका नंबर सेव है ना, और आप बढ़िया बॉन्डिंग है आपकी, बढ़िया रिलेशन उनका उनका उनके साथ आपका, तो आप हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद हाल चाल ही पूछ लेते हैं फॉलोअप, है ना, ये फॉलोअप ही एक तरह का फॉर एवर में इस बिजनेस में, है ना। तो देन बंदा आपकी आज नहीं ज्वाइन करेगा आपको, शायद आपकी ग्रोथ देख के, जब आप सुपरवाइजर AM मैनेजर बन रहे हैं, आपका चेक आ रहा है 20 हजार 30 हजार 50 हजार का, शायद आपका वो जब ग्रोथ होगी ना, ग्रोथ को देख के बंदा बिजनेस में आएगा ना, तो आपका फॉलोअप पॉजिटिव होना चाहिए। यूज टूल एंड प्रोग्राम, आप फॉलोअप के लिए बहुत सारे टूल्स भी आप यूज कर सकते हैं, आज के टाइम में बहुत बढ़िया ऑप्शन है हमारे पास, है ना, एक पर्सन को प्लान दिखाया हमने, उसका नंबर सेव है हमारे पास, तो उसका ये नहीं कि सिर्फ कॉल ही उसका फॉलोअप है, नहीं, कॉल के अलावा उसको कोई बुक सेंड, कोई ई बुक शेयर कर दो आप, है ना, कि ये रीड करनी है आपने, कोई मैगजीन कोई ब्राउचर्स आते हैं, या वीडियो ऑडियो, है ना, या हम सोशल मीडिया पे आज अपने पर्सन हमारे साथ ऐड है, व्हाट्सएप पे ऐड है, इंस्टाग्राम पे ऐड है, वहां पे आप अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, वहां पे कुछ मोटिवेशन अपने बिजनेस से रिगार्डिंग, है ना, अपनी ग्रोथ दिखा रहे हो आप वहां पे, तो वो भी एक इनडायरेक्टली फॉलोअप है, समझ रहे हो, एक तो डायरेक्टली फॉलोअप है कि कॉल लगा रहे हो आप उस पर्सन को, इनडायरेक्टली फॉलोअप क्या है, वो आपको देख रहा है, आपके स्टोरी देखता है, वो स्टेटस देखता है, वो है ना, या आप उसको कोई गुड मॉर्निंग बढ़िया सा कोई मोटिवेशन सुबह मैसेज सेंड कर दो, वो सारी चीजें आती है ये फॉलोअप में, तो ये चीजें आपने जरूर करनी है आपके साथ में जो पर्सन ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ भी, और जो जिनको आप बिजनेस में लेके आना चाहते हैं,
उनके साथ भी आपने एक बढ़िया फॉलोअप लगाते रहना है ना। आगे बात करें जी पर्सनल है ना, हमारी खुद की आपकी टॉक होनी चाहिए पर्सन के पास साथ में ना। ये चीजें हम सबने सुनी है कि भाई कोई पर्सन है ना वो कंपनी को या प्रोडक्ट को ज्वाइन नहीं करता, वो किसी पर्सन को ज्वाइन करता है, आपको ज्वाइन करता है बंदा है ना। तो आपकी एक प्रेजेंस उसमें होनी चाहिए आपकी है ना, एक बढ़िया से आप उसका एक अच्छी बॉन्डिंग है ना। आप जब फॉलोअप लगा रहे हैं, फॉलोअप आप एक कॉल पे भी फॉलोअप लगा सकते हैं, आप जूम ऐप पे कॉल फॉलोअप लगा सकते हैं, आप वीडियो कॉल पे भी फॉलोअप लगा सकते हैं ना, अगर पॉसिबल हो के। हाँ जी हम वीडियो कॉल पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, या हम जूम ऐप पे आते हैं, जूम मीटिंग है ना एक प्रोफेशनल वो एक प्लेटफॉर्म जूम, तो हम जूम पे आते हैं, जूम पे आके थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, तो वो भी आपका एक फॉलोअप है ना। उस पे आके आप उसके हाल चाल पूछ रहे हो कि हाँ जी और फैमिली में ये कैसे है ना, एक बढ़िया एक बॉन्डिंग आप बना रहे हो और उसको आप अच्छे से गाइड कर रहे हो ये बता रहे हो ना, तो ये चीजें भी हमारी सारी फॉलोअप में आती हैं। प्लीज एक मिनट वेट करें प्लीज। सो हाँ जी सॉरी, तो ये सारी चीजें फॉलोअप में आती हैं, तो फॉलोअप में जरूरी है कि हमारी खुद की प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी, हमें खुद ही फॉलोअप है ना, ये नहीं कि सीनियर्स के ऊपर डिपेंड रहना है, नहीं। सीनियर नो डाउट सीनियर आपके अगर हेल्प कर रहे हैं, आपके फॉलोअप का कोई कॉल कर रहा है वो है ना, बट आपकी प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पर्सन है जिसने ज्वाइन किया ना बिजनेस को, उसने आपके साथ ज्वाइन किया है, तो आपके ऊपर उसका फेथ है, विश्वास है, बिलीव है, तो आपके साथ उसकी बढ़िया बॉन्डिंग एक बढ़िया रिलेशन जरूर होना चाहिए। तो वो तभी होगा जब आप उससे कॉल पे बात कर रहे हैं, आप उसको जूम ऐप पे लेके पर्सनल 10 मिनट मिल रहे हो है ना, तो 10 मिनट के अंदर आप कोई भी बढ़िया चीज उसको बता के आप बढ़िया फॉलोअप लगा सकते हैं ना। सो एक्साइटमेंट एंड बिल्ड फेथ, और फॉलोअप में बहुत इंपॉर्टेंट है जी कि आप में एक्साइटमेंट है ना, एक्साइटमेंट शो होनी चाहिए उस बंदे को कि आप एक्साइटेड पर्सन हो। हर बंदा चाहता है कि मैं एक एक्साइटेड बंदे के साथ ही काम करूं जो एक्साइटमेंट है जिसके अंदर है ना, और एक फेथ एक विश्वास बनाना है, और विश्वास कैसे बनेगा जी? हाँ जी किसी पर्सन आप चाहते हो कि कोई पर्सन आपके ऊपर विश्वास करे, विश्वास कैसे बनता है जी? विश्वास एक्चुअली बनाया नहीं जाता, विश्वास है ना, ये कोई वो नहीं कि आप कोई ऐसा फॉर्मेलिटी करेंगे तो फेथ बनेगा, नहीं। आप दिल से हेल्प करनी है उस पर्सन को जिसको आप बिजनेस में लेके आना चाहते हैं ना, आप दिल से आपके होना चाहिए कि इस बंदे को मैंने कामयाब करना है, आगे लेके जाना है ना, समझ रहे हो? उसको एक फेथ दिलवाना है कि हम आपके साथ खड़े हैं, टीम फायर हम आपके साथ में हैं, ठीक है? तो आप उसको फेथ दिलवा रहे हो ना, विश्वास दिला रहे हो, ठीक है? आप उसको नॉलेज दे रहे हो बिजनेस की, प्रॉपर कंपनी का डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो, अपने बारे में आप दिखा रहे हो, कोई आपका इन अर्निंग आई है, कोई चेक आया, उसका स्टेटमेंट वगैरह दिखा रहे हो, ये सारी चीजें हैं जिनसे फेथ बनता है, जिन चीजों से है ना, और उसको एक बिलीव दे रहे हो, एक विश्वास दिला रहे हो कि आपके साथ हम खड़े हैं, टीम फायर खड़े हैं, आपको आगे लेके जाने की जिम्मेवारी हमारी है, आपको मैनेजर बनाना है इस साल में, ये करना है ना। तो ये चीजें फॉलोअप में बहुत मैटर करती हैं, काम आएंगी, तो एक एक्साइटमेंट आपके अंदर जरूर होना चाहिए ना। अगर आप एक्साइटेड हो तो दूसरे बंदे को तभी आप एक्साइटेड कर सकते हैं जब आप खुद एक्साइटेड है ना। सो एक्साइटमेंट का बिजनेस है, कॉल आप कर रहे हो, चाहे आपका सर दर्द हो रहा है, चाहे बीमार है, चाहे कैसे भी हो, आपकी कॉल जब, या तो आप कॉल ही ना करें जब आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है ना, समझ रहे हो? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जब भी किसी पर्सन को कॉल करनी है आपने, जो स्पेशली न्यू है या टीम वाला कोई भी हो, एक बढ़िया एक्साइटेड होके आप बात किया करें है ना, और कोशिश करें लेट के ना कभी कॉल करें। हम लेटे लेटे बेड पे टीम से अपने नए पर्सन से कॉल कर रहे हैं, लेटे हुए तो वैसे ही एनर्जी डाउन होती है, आप खड़े होकर कॉल करें, खड़े होकर वैसे ही एक आवाज में दम आ जाता है और बंदे में एक एक्साइटमेंट रहती है ना। तो थोड़ा सा ये चीजें भी हम ऐड कर सकते हैं अपने उसमें है ना, फॉलोअप में। और डोंट आस्क ओपन एंडिंग क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आप मतलब ना पूछें कि बंदा जिसका सिर्फ एक आंसर हाँ या ना ही हो है ना, उससे आगे मतलब आप एक बढ़िया क्वेश्चनिंग आपने करनी है कि हाँ जी फिर हम मिलकर शुरू करते हैं, ये करते हैं ना, ये करना है, हाँ जी करना है या नहीं करना है, उसका आंसर क्या है, हाँ ना है ना, बंदा बोल रहा है कि नहीं करना है, फिर आगे क्या कहोगे आप उसको? हाँ जी ऐसा क्वेश्चन ही उसको करना है जिसका आंसर ना है ना, जहां पे ना का ऑप्शन ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं करना है, समझ रहे हो? वो नेगेटिव तो क्वेश्चन मतलब आपके उसमें करना ही नहीं, आपने फॉलोअप में क्वेश्चन वो करना है
जिसमें सिर्फ एक ही वो हो ऑप्शन के हाँ जी करें, है ना। क्वेश्चन मतलब आपने उसको बोलना है कि हाँ जी सो सिस्टम आपने देखा है, होप सो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, है ना। आपने यही बोलना है, ठीक है, होप सो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा क्योंकि आप देख चुके होंगे यहाँ पे इतने लोग कामयाब हैं। सो अब मैं मिलके शुरू करते हैं, मैं आपको फॉर्म सेंड करता हूँ, फॉर्म जो फिल करें और देन उसके बाद हमारे बैच का पार्ट बने, ठीक है। मतलब वो नहीं, आपने जब आपको शुरू में ही बता चुका हूँ पहले करना है नहीं करना है, भाई बढ़िया लगा या बेकार लगा तेरे को काम, ये चीजें पूछेंगे तो नहीं। ऐसा हमने कोई ऑप्शन वाला क्वेश्चन करना ही नहीं जब फॉलोअप हम करते हैं ना। बी अ गुड लिसनर बहुत इंपॉर्टेंट है जी, फॉलोअप लगाते समय आपकी लिसनिंग पावर भी बहुत होनी चाहिए ना। जब आप किसी को कॉल कर रहे हो उसकी भी सुननी है आपने, ये नहीं कि बस आप ही बोल रहे हो, एक रिकॉर्ड कर लिए अपनी लाइन और वो रिकॉर्ड करके आप बोल रहे हो बस, नहीं उस बंदे को सुनना है कि वो शायद उसका कोई क्वेश्चन होगा, शायद उसका कोई क्वेरी होगी, है ना, कुछ पूछना चाहता होगा वो, तो आपने उसको ध्यान से सुनना है, कोई भी कट नहीं करनी मतलब उसकी बात। आपने वो बंदा कुछ पूछने लगा है आपसे और बीच में आपके नहीं 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 बोल रहा ऐसे नहीं है, आप अपनी ही सुनाने नहीं, उसकी सुनो प्रॉपर ध्यान से, है ना। बोलते ना क्या वो, आप सबने में भी एक बुक है शायद, अगर पढ़ी हो तो बढ़िया, नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ें, स्टार्टिंग में बुक है वो, जितने भी नए एएस हैं हमारी बुक, उस बुक का नाम है जी द सवाल ही जवाब, क्वेश्चन आर द आंसर, उसमें प्रॉपर ये चीजें बताई गई हैं, ठीक है, कि लिसनर मतलब क्वेश्चन आर द आंसर, सवाल में ही जवाब है, समझ रहे हो, सवाल आप ध्यान से सुन रहे हो तो उसी में उस बंदे का जवाब है, बट मैटर करता है कि आप सवाल ध्यान से सुने पहले। हम सवाल ही नहीं सुनने को तैयार होते, हम सिर्फ अपनी सुनाने को रहते हैं कि भी हम अपनी सुनाएं, है ना, अपन के हम एएस हैं, सुपरवाइजर हैं, एएम है, जो भी हमारा लेवल है, कि हम अपनी दूसरे बंदे की सुननी है, आपने अपने फॉलो करना है ना। लिसन नॉट टू रिप्लाई, लिसन रियली लिसन एंड अनसर्न, है ना, आपने उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो ध्यान से सुनना है, इसलिए नहीं सुनना है कि उसको रिप्लाई क्या करना है, साथ के साथ जवाब देना है हमने, है ना, समझ रहे हो। और जरूरी है कि कभी भी चाहे हम फॉलोअप लगा रहे हैं चाहे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बहुत सारे पर्सन के ऑब्जेक्शन होते हैं, ऑब्जेक्शन के हमने रिप्लाई करने सीखने हैं, जवाब देने सीखने हैं, ना कि उनसे बहस करना है हमने, ठीक ना। हमारा पर्पज क्या है जी, हमारा पर्पज है कि किसी पर्सन को बिजनेस में लेके आना है, अच्छी क्लोजिंग करनी है, हमारा पर्पज ये नहीं है कि बहस में जीतना है, बहस में जीत जाओगे आप बट क्या, अगर उस पर्सन की ईगो हर्ट कर दी आपने, है ना, उससे लड़ने लगे आप ये वो, तो कोई बेनिफिट नहीं। अगर पर्सन क्वेश्चनिंग कर रहा है, मान लो कि सर मेरे को तो प्रोडक्ट्स बहुत महंगे लगे, हाँ जी, उसका ये नहीं कि हम उसको बोले कि यार प्रोडक्ट महंगे कहाँ पे हैं, एप्पल का फोन तो महंगा है, वो भी तो गाड़ी भी तो महंगी है ना, ये कितने महंगे हैं, हम उसे बहस ही करने लगे, नो डाउट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मतलब हमारा आंसर सही है कि एप्पल भी महंगा, गाड़ी भी महंगी, बट उससे बहस आप कर रहे हो और बहस करके वो पर्सन आपके साथ में थोड़ी आएगा, ये आपका प्रोडक्ट थोड़ी खरीदेगा, वो नहीं खरीदेगा, आपने उसको बढ़िया तरीके से एक बढ़िया आंसर देना है, ठीक है, जिससे वो पर्सन एक क्लोजिंग तक पहुंचे। पर्सन बोल रहा है कि प्रोडक्ट महंगे हैं तो उसको बोलो कि हाँ जी ब्रदर बिल्कुल, है ना, ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन आपने किया है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, और ये सेम क्वेश्चन मेरा था जब मैंने भी इसको शुरू किया था ना, कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली है ना, क्योंकि मैं खुद मिडिल क्लास से हूँ, अब हमारे घर पे भाई टूथपेस्ट यूज करते थे 100 वाला, अब फोर एवर वाला 500 600 का हमने देखा शुरू में, तो मुझे बहुत महंगे लगे ना, बट फिर जब यूज किया ना, है ना, घर पे एक बार तो लगा मेरे को महंगे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ प्राइस देखा, समझो प्राइस देखा, हमने वो नहीं देखा कि उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, तो पर जब धीरे धीरे समझा, प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू करा, फिर समझ में आया कि भाई इससे तो सस्ती प्रोडक्ट दुनिया में है ही नहीं कोई, ये तो सबसे सस्ते प्रोडक्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी है। फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि मार्केट में 500 रुपए की टी शर्ट आती है, एक शोरूम में चले जाओ 5,000 की पड़ी है वो, है ना, सेम आप मार्केट में 10,000 का मोबाइल आता है वीवो का, ओप्पो का, एप्पल का आता है 1.5 लाख का, है ना, गाड़ी एक 1 लाख की भी है नैनो, 50 लाख की पड़ी है बीएमडब्ल्यू 1 करोड़ की, तो वो एग्जाम्पल फिर आप ऐड कर सकते हो ना, फिर बता सकते हो आपके सस्ता क्या है, महंगा क्या है, और हेल्थ की वैल्यू क्या है, आप अपनी हेल्थ है ना जो, उसकी वैल्यू बताएं उसको कि हेल्थ की वैल्यू क्या है और उसके लिए कितने जरूरी है। पर अगर शुरू में ही आपने बोला कि नहीं नहीं महंगे थोड़ी है भाई, एक्चुअल में बंदे को उसका क्वेश्चन है महंगे हैं और आपको भी पता, जब पहले दिन आपने देखा आपको भी महंगे लगे होंगे, है ना, तो उसको उस तरीके से आंसर मतलब अगर आपने उसको एग्री करना है क्लोजिंग तक लेके जाना है, तो वो बंदा आपके साथ हाँ में हाँ करे, क्या करे जी, हाँ में हाँ करे, है ना, सर हिलाए आपकी बातों से, है ना, जब वो सर, जब उसने सर ऐसे किया ना ना कर रहा है वो, मतलब वो बंदा आपसे चला गया, उसको हाँ पहले सर हिलाना है उसने, उसको उसको हाँ हाँ करे बंदा वो, और हाँ कैसे करेगा जब आप उसको कहोगे कि भाई बहुत बढ़िया ब्रदर आपका बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने करा है,
जब आपने कहोगे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने करा है, तो बंदा ये कहेगा कि नहीं नहीं अच्छा नहीं किया, बंदा सर हिलाएगा, है ना। उसके बोलो कि भाई जैसे आपका क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मेरा था, सर हिलाएगा बंदा, है ना आपके। हाँ जी, मतलब एक बार वो सुनने लग गया फिर वो एंड तक सारे हिलाते ही रहेगा। पर शुरू में अगर उसने ना ना कर दिया ना, मना कर दिया, ये आप वो बुक रीड करेंगे क्वेश्चन आर द आंसर, है ना, सवाल ही जवाब, उसमें सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी, है ना, कि क्लोजिंग तक पर्सन को कैसे लेके जाना है। सो लिसनिंग का बहुत बड़ा रोल है जी, समझ रहे हो। आप चाहे सुपरवाइजर हैं, एएम हैं, मैनेजर हैं, आपकी टीम है जो जो काम कर रहे हैं, एएस हो सकते हैं वो सुपरवाइजर, आपने उनकी भी सुननी है। ये नहीं, ये सिर्फ उसके लिए बता रहा हूं मैं कि जो नया पर्सन आता है ना, उसी के हर उसमें हमने लिसनर बनना है, बढ़िया, समझ रहे हो। अपने अपलाइन को तो सुननी सुननी है, अपलाइन से तो सुन के ही हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, काम हो सकते हैं ना, पर जो टीम है उसको भी सुनना है, अंडरस्टैंड कर रही है। और हर बंदा खुश वहां पे होता है जहां पे उसकी सुनी जाती है, समझ रहे हो, क्योंकि सुनाने वाले तो बहुत है आज, ज्ञान देने वाले, बट लिसनिंग करने वाले है ना, कि बंदे का दुख कौन सुन रहा है वो बहुत कम है। तो आपने सुनने वाला बनना है, लिसनर बनना है, बढ़िया, ठीक है। तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट और मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट नो, नो का मतलब ये नहीं होता कि मना कर दिया या फेल हो गए आप, नहीं, है ना। नो एक मतलब उस पर्सन का, एक उसने बोला कि मैंने नहीं करना, है ना। आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं ये ना, कि हाँ जी बिल्कुल जी, आपकी वो है ना, कि जैसे भी आप करना चाहते हैं आप वैसे भी उसको कर सकते हैं, डिसीजन आपका है करना है नहीं करना है, बट मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि रीजन क्या है आपका, आप करना क्यों चाहते हैं। मैं जस्ट नॉर्मली पूछना चाहता हूँ, है ना। बंदा पूछेगा कि नहीं मैं तो इसलिए नहीं करना चाहता, यहाँ पे नेटवर्क बनाना पड़ता है, यहाँ पे ये करना पड़ता है। तो जो पॉइंट उसने बोला है उसी पॉइंट पे ऊपर फिर आप बात थोड़ी सी कर सकते हैं ना। उसने बोला कि मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि नेटवर्क बनाना पड़ता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे। तो उसको बोला कि भाई यही तो पावर स्पिन्स की, इसीलिए तो इंडिया में 5,000 से ज्यादा लोग आज लाखपति बन चुके हैं कि यहाँ पे नेटवर्क बनाना पड़ता है। अगर नेटवर्क ना बनाना पड़ता यहाँ पे तो कोई बंदा भी यहाँ पे लाखपति ना बनता, दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं वो इसीलिए कामयाब कि वो उन्होंने नेटवर्क बनाया है, समझ रहे हो। और ये वो बिजनेस है जहाँ पे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, बहुत कोई बिना हैवी रिस्क के आपको बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है। आज मैकडी का मालिक नेटवर्क बना रहा है, केएफसी का मालिक नेटवर्क बना रहा है, हर बंदा नेटवर्क बना रहा है, बट वो लोग वो हैं जिनके पास अरबों रुपया है, पैसे के साथ वो नेटवर्क बना रहे हैं, है ना। अंबानी ने जियो का नेटवर्क बनाया, पैसे के साथ नेटवर्क बनाया, बट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नेटवर्क बनाने का मौका दे रही है फॉर एवर लिविंग। यही तो पावर है हमारे बिजनेस की, इसीलिए तो मैं इस बिजनेस का पार्ट हूँ कि यहाँ पे नेटवर्क बनाना। तो आपने उसी का आंसर आपने देना है जो उसको ध्यान से सुन के, है ना। मतलब नौ का मतलब नौ नहीं, उसको ध्यान से सुनना है, उसका रीजन पूछना है कि कारण क्या है, तो वो कारण बताएगा, तो उसी कारण के ऊपर आप उसका लगा सकते हैं ना, बढ़िया फॉलोअप लगा के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, है ना, वो कर सकते हैं। कीप द फॉलोअप शॉर्ट एंड पॉजिटिव, हमेशा शॉर्ट रखें कॉल। ये आपको पहले बता चुका हूँ कि पर्सन से आर्गूमेंट, बहस करने की जरूरत नहीं है ना, कि हमने उसमें बहस में नहीं पड़ना, ठीक है, कि हमने बहस जीतनी है। हमारा पर्पज है कि पर्सन को बिजनेस में लेके आना, मतलब क्लोजिंग करनी है, बढ़िया, है ना। तो क्लोजिंग तक लेके जाने के लिए तो आपने क्वेश्चन ध्यान से सुनना है और क्वेश्चन को पॉजिटिवली आंसर देना है, ठीक है ना। और ऑप्शन वाला आंसर नहीं देना है ना, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, करना नहीं करना भाई ये वो, है ना। तो इन चीजों का बस आपने ध्यान रखना है जी। और अगेन आपको मैं शुरू में बोल चुका हूं, जो फर्स्ट स्लाइड थी हमारी, के फॉलोअप है जो वो क्या है जी, हाँ जी, फॉलोअप क्या है जी, कंपलसरी है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है, इसको जरूर आपने ऐड करना है। अगर फॉलोअप लगाते हो बहुत बढ़िया बात, अगर नहीं लगाते तो अपने आप सबने फॉलोअप लगाना है, क्योंकि तो बहुत सारे पर्सन है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारा बिजनेस प्लान देख के ही हमारे साथ बिजनेस में आ जाएंगे, बट बहुत सारे पर्सन का हमें खुद फॉलोअप लगाना पड़ता है, और हम बिना फॉलोअप लगाए हम बहुत सारे बढ़िया बंदों को खो देते हैं, है ना, जो शायद बिजनेस में आके बहुत आगे ग्रो करेंगे, कर सकते थे, बढ़ सकते थे आगे, बट हम उनको खो देते हैं कि उनका बढ़िया तरीके से फॉलोअप ना करने के कारण, ठीक है। सो बाकी ये टॉपिक था मेरा जी फॉलोअप के ऊपर, होप सो आपको कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत चीजें आप के बिजनेस में आप मतलब वैल्यू ऐड होगी आपकी नॉलेज में। और अब मैं आगे ज्यादा टाइम ना लेते हुए, है ना, जो आज के नेक्स्ट हमारे होस्ट हैं, हम सबके बहुत ही सीनियर लीडर हैं, है ना, सो जिनसे हमने भी बहुत कुछ सीखा है जी, कि आज वो आप सबको आगे की मीटिंग होस्ट करने जा रहे हैं। आप सबकी एक्साइटमेंट के साथ मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर गुरिंदर सर को, सर ऑलरेडी मीटिंग में आ चुके हैं,
हाँ जी सर, वेलकम है जी आपका। थैंक यू जी, थैंक यू जी। या कैसे हो नगिंदर जी, आप क्या हाल बहुत बढ़िया चाल? सर, पहले बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपकी नई गाड़ी के लिए। ठीक थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जी। है जी। सो देखिए टीम, नगिंदर जी ने आज से कुछ साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया। जब नगिंदर जी आप आए थे, नगिंदर जी रुक जाइए 2 मिनट, जल्दबाजी तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं सर, ठीक है जी, तो ऐसे है ना, फ्लो बन जाता है मीटिंग बिल्कुल का। सर, बिल्कुल जी, तो कैसा लग रहा है, आपने नई गाड़ी ली है? बहुत बढ़िया लग रहा सर, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है ना जी। तो सर। थैंक यू सो मच नगिंदर जी, आपने टाइम दिया टीम को। कोई बात नहीं, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, सो थैंक यू। ठीक है जी। ये होस्ट अभी मैं बन गया हूँ। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपका जो जुलाई मंथ था, जितने AS इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आपका बहुत अच्छा मंथ रहा है। ऑल टाइम हाई बिजनेस इस मंथ, जुलाई मंथ में लोगों ने क्लोजिंग की है। CC देख रहा था लोगों के मैं, 200 CC, 400 CC, 500, 550 CC तक भी लोग गए हैं इस महीने। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अभी अगर आप 2 CC अभी अभी आपने किए हैं, आप AS बने हो और आप AS लेवल पे हो, 2 CC का बिजनेस किया है, 4 CC का बिजनेस किया है, तो अंडरस्टैंड करें कितने कितने CC मार्केट में, टीम फेयर में लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। सो यही फ्यूचर आपका है, आपको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी है वरिंदर जी ने। तो दोस्तों मेरा नाम गुरिंदर सिंह बाजवा, आज से 10 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, अगस्त मंथ में। ये अगस्त स्टार्ट हो चुका है, अगस्त 25 अगस्त 2014 को मैंने ज्वाइन किया था इस बिजनेस को। और जब ज्वाइन किया था, थोड़ी सी अपनी जर्नी जरूर बताऊंगा। जब ज्वाइन किया था दोस्तों, ऑफलाइन दौर था, 2014 से 2024 चल रहा है, 10 साल कंप्लीट हो गए हैं इस बिजनेस में। तो ये 10 साल बड़े शानदार रहे हैं। इन 10 सालों में बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया, बड़ा सारा इन्जॉय किया है। पर आज की डेट में जो हम देख रहे हैं, लोग हमसे भी ज़्यादा स्पीड में बिजनेस कर रहे हैं। जब हम इस बिजनेस में आए थे तब ऐसे हुआ करता था, अभी 3 साल तक तो आप मैनेजर बन ही जाओगे। जब हमारा टाइम, जब हम नए नए इस बिजनेस में आए, तब लोग 8 महीने 1 साल में बिजनेस में मैनेजर बनना शुरू हो गए थे। और आज की डेट में 4 5 महीने 6 महीने में भी लोग, कई लोग मैनेजर बन जाते हैं, कई लोगों को टाइम ही लग जाता है। तो बेसिकली इस मीटिंग में सभी ES बैठे हैं। आपको बहुत अच्छा, एक कल कुछ टॉपिक्स हमारे लीडर्स ने कवर किए हैं, कुछ पहले नगिंदर जी ने लीडर टॉपिक कवर किया है। ठीक है। सो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो यही है, ये आपका डेली रूटीन, आपके डेली रूटीन का मेरा एक टॉपिक है अभी। आप अपने डेली रूटीन को सुधारें, डेली रूटीन को सही करें, तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। अपने आप को देखें, कितने बजे उठते हैं, कितना टाइम आपकी स्क्रीन टाइम क्या है, कितना टाइम आप फ़ोन पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को देखने में, स्क्रोलिंग करने में, और कितना टाइम आप काम कर रहे हैं। ठीक है। मार्केट फुली ओपन है जी। ठीक है। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आप सभी देखते हो, ये लाइशियम प्रोडक्ट है। बहुत सारे AS इस मीटिंग में बैठे हैं, कई लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा। जिन जिन लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता है, YouTube पे तो कमेंट ऑफ हैं, आप WhatsApp पे ज़रूर लिखना ये लाइशियम क्या प्रोडक्ट है। ठीक है। हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लीवर के लिए रामबन है, रामबन प्रोडक्ट है लीवर के लिए। ठीक है। ये लाइशियम प्रोडक्ट है। ठीक है। ये बी पॉलन है। तो क्या आपने इन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है? ठीक है। ये आर्टिक्स ही है। ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट प्रोडक्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है आज के टाइम के लिए, आर्टिक्स ही। ठीक है। ये आर्टिक सी हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, यही नॉलेज आप सबको होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो बैकबोन है इस बिजनेस के, वो ये प्रोडक्ट्स हैं। अगर इस बिजनेस में ये प्रोडक्ट्स ना होते, ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट ना होते, तो ये बिजनेस में हम यहाँ तक ना पहुँच पाते। मुझे नहीं पता मैं कितनी ये आर्टिक सी की डब्बियाँ अब तक पिछले 10 साल में खा चुका हूँ। हमारे घर में 1 महीने में एक ये इसकी डब्बी चलती है। ठीक है। एक दिन में हर फैमिली मेंबर 2 कैप्सूल इसके खाता है। तो काफ़ी लोग सोचते हैं जी दवाई है, जी दवाई नहीं है दोस्तों, ये ठीक है न्यूट्रिशन है हमारा, हमारी डेली डाइट है। आज की डेट में आप सबको पता है हार्ट अटैक्स कितने आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम कितनी है, इन सब के रीज़न क्या है, हमारा लाइफस्टाइल प्लूटेड है, लाइफस्टाइल बिल्कुल पुअर हो चुका है। ठीक है। और पुअर लाइफस्टाइल की वजह से हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं,
ठीक है, 40 साल 50 साल तक बंदा बहुत मेहनत लगा के काम करता है, जितने पैसे कमाए होते हैं सारे फिर वो किसी शुगर की बीमारी पे लग जाते हैं, किसी हार्ट अटैक पे लग जाते हैं, कोई स्टंट में लग जाते हैं, कैंसर में लग जाते हैं। आजकल तो इतनी न्यूज़ आ रही है मार्केट में भी, जो हार्ट अटैक है, कैंसर है, ये आम लोकल हो चुकी है। तो एवरेज एज 56 के आसपास रह चुकी है। तो दोस्तों आप अंडरस्टैंड करो, अगर आप भी थोड़ा ज़्यादा जीना चाहते हो ज़िंदगी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, तो अपने आपने AS किया, 2CC किया, इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना स्टार्ट करें। आर्टिक्सी वन ऑफ द माई फेवरेट प्रोडक्ट है ये आर्टिक्सी, ठीक है। फिश ऑयल्स भी हम इसको कहते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, तीन तरह के फैटी एसिड इसमें होते हैं। ये हमारी वेंस के लिए इतनी ज़्यादा जरूरी है भी, हमारी वेंस में जो ब्लॉकेज होती है, जो कोलेस्ट्रॉल जमता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसकी रेशो को बढ़ने नहीं देते, ठीक है। अगर आप साथ में अपना एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन किया हुआ है, आप सुबह वॉक पे, रनिंग पे, या फिर कोई भी आपकी फिजिकल एक्सरसाइज या कोई स्पोर्ट्स है, आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो साथ बस साथ, और आप इन सप्लीमेंट्स को यूज़ कर रहे हो, तो आपको जल्दी जल्दी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि मेन प्रॉब्लम्स की जड़ें क्या है, हमारा पुअर लाइफस्टाइल है। हम बाहर जाएंगे, कोक तो पीनी पीनी है हमने, हमने कोल्ड ड्रिंक पीनी है, हमने पिज़्ज़ा खाना है। पिज़्ज़ा देखिए मैदे का बना होता है, वो मैदा हमारी आंतों में जम जाता है, उसको क्लींस करने के लिए आप क्या कर रहे हो, उसके लिए हमारा एलोवेरा काम करता है, हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। हमारे बिजनेस में जो पहला स्टेप है, पहला सुख निरोगी का आया, दूसरा सुख जेब में आया, है ना। हमारे बिजनेस का भी फंडा यही है, ये ग्रंथों में लाइन लिखी हुई है ना, कि पहला जो सुख है वो निरोगी का आया, सेहतमंद, सेहत सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर कोई इंसान कहेगा भी ये तेरे लिए 1 करोड़ एक साइड रखा है, और एक साइड तेरा एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, तू फिट है, 1 करोड़ तेरे पास है, पर तू तेरे को शुगर है, कैंसर है, तेरे को BP की प्रॉब्लम है, तू तेरा वजन 120 kg है, और एक साइड बोलेंगे ठीक है, ठीक है तू एवरेज है पर तू फिट है, ठीक है तेरा बॉडी वेट ओके है, ठीक है तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेल्थ चैलेंजेस नहीं है, तू रनिंग कर सकता है, भाग सकता है, तो मैं आई विल चूज़ माई हेल्थ। हेल्थ पहले है, परमात्मा वो गॉड वो अल्लाह हमें हेल्थ दे, सेहत दे, ठीक है, और इज्जत दे, पैसा और शोहरत हम खुद कमा सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों हेल्थ है आपकी, हेल्थ को सही रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आपकी हेल्थ नहीं, आपकी फैमिली की हेल्थ, कल को आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ना परमात्मा ना करे किसी को किसी भी हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, या कोई भी ABC प्रॉब्लम आ जाए, वो आप हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे चेक कीजिए हॉस्पिटल में कितना खर्चा होता है। मेरा एक दोस्त है, वो म्यूज़िक लाइन में है, उसके वो सारा दिन फ्लैट में रहते थे, कुछ नहीं करते थे सारा दिन, उन्होंने खाना बाहर का खाना, पिज़्ज़ा खा लिया, ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया। उनकी मदर का वेट दिनों दिन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। पिछले 1 महीने से उनके मदर हॉस्पिटल में पड़े हैं, और उनको हार्ट जो उनके जो ये होते हैं फेफड़े होते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन फैल गई। अभी देखिए ये इन्फेक्शन कैसे होगी, बैड लाइफस्टाइल की वजह से, पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, है ना। तो उनको इन्फेक्शन हो गई है, उनका सारा अभी लंग्स में इन्फेक्शन फैल चुकी है, सांस की प्रॉब्लम है। अभी उनका डेली का हॉस्पिटल 50,000 बिल बना रहा है डेली का, ठीक है। वो पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, मैं उनको हमेशा रेकमेंड करता था, मैं अपनी मम्मी को ये प्रोडक्ट यूज़ करा, आर्टिक्स यूज़ करा, एलोवेरा पिला, है ना, पर लोग नहीं सुनते हैं, लोग इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लोग कहते हैं ठीक है हम तो हेल्दी हैं, हम तो फिट हैं, पर वो एकदम जब पटाखा पड़ता है ना, फिर पता चलता है ये क्या हो गया हमारे साथ। तो अब आप अंडरस्टैंड कर लें, 1 महीने के अंदर अंदर 10 लाख रुपया बिल बन गया, 10 लाख रुपया। अब आप बताएं 10 लाख रुपया आपको देना मंजूर है अपनी फैमिली के लिए, अगर वो भी वो बंदा अफोर्ड कर सकता था 10 लाख रुपया तब दे पाया। बड़े लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं होती, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती, मम्मी पापा की हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती, वो भी करा के रखे, ठीक है। और अगर जहाँ फिर एक साइड जे आर्टिक्स ही है, इसका जो कितना प्राइस है, MRP कितना प्राइस है MRP में आर्टिक्स ही 2000, है ना। आप अंडरस्टैंड करें, ये 2000 का एक महीना प्रोडक्ट चलेगा, 2000 डिवाइड बाई 30 करिए तो कितना निकलेगा, ठीक है। एक दिन के कितने पैसे लगे आपके, ठीक है, 66 आई थिंक जो मेरे पास आया है। मैथ मेरा थोड़ा सा ऐसी है, मैं एक बार दोबारा कर लेता हूँ। हाँ,
70 रुपये आप अपनी हेल्थ को दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, आप बताओ मुझे। आप अपनी मम्मी पापा को डेली 70 रुपये हेल्थ के लिए ऊपर दे सकते हो, जो डेली 2 कैप्सूल खाए, ठीक है, इसमें 60 कैप्सूल्स हैं, 30 दिन इस आर्टिक सीने चलना है, आपके जितने फेफड़े नाड़ियाँ जो हैं उनमें बैड कैलेस्ट्रोल नहीं एंटर होएगा। अगर यही चीज़ आप किसी को जाकर मार्केट में बताओगे भी ये प्रोडक्ट ऐसे काम करता है या हमारे जितने सप्लीमेंट्स हैं क्यों ज़रूरी हैं, ठीक है, जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है आप अंडरस्टैंड करें दोस्तों, वो लोग सिर्फ एक कागज बेचते हैं, आप लोगों ने सीधा हेल्थ बेचनी है लोगों को, तो आपसे ये प्रोडक्ट्स लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? लोग इस टाइम कहते हैं ले लीजिए हमसे 10,000 रुपया, ले लीजिए हमसे 20,000 रुपया। मैं कहता हूँ ये 2,000 की, अगर ये 10,000 की भी हो तब भी बिकेगी मार्केट में, आज की डेट में हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो आपको ये प्राउड महसूस होना चाहिए भी जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं वो जो ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, हम पहले अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो ऐसे ये विटलाइज देखिए, ये हमारे डाइनिंग टेबल पे पड़े हैं, ये विटलाइज है, फ्रिज में एलोवेरा पड़ा है, नेक्टर पड़ा है, हनी पड़ा है ना, क्या आपके घर में ये आपके किचन में डाइनिंग टेबल पे ये प्रोडक्ट्स पड़े हैं? प्रोडक्ट्स इज द बैकबोन दोस्तों, प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट को इग्नोर मत करें, ये यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने के लिए मत आएँ, पैसा तो अपने आप आ जाएगा अगर आपने इन प्रोडक्ट्स की वैल्यू को समझ लिया, ठीक है। अगर आपने ये समझ लिया हाँ मेरे घर में हर महीने ये एक डब्बी आर्टिक सी की लगनी चाहिए, ठीक है, डेली का 60 रुपये, 66 रुपीज आपके डेली की वैल्यू है इसकी, है ना, अगर आपने ये चीज़ समझ ली, ठीक है। तो इसके अलावा एक एलोवेरा जेल, ठीक है, 30 से 40 रुपये की वो होगी, 100 रुपये आपने अपनी हेल्थ को देना है। आप मार्केट में जाओगे कुछ खाने, बर्गर पिज्जे के ऊपर 100 रुपया ऐसे लग जाता है, 100 रुपये की कोल्ड ड्रिंक, आप मूवी देखने जाते हो 200 रुपये की कोल्ड ड्रिंक ले लेते हो, है ना। तो आपने 100 रुपीज अपनी फैमिली की हेल्थ के ऊपर हर रोज़ लगाना है। तो आपने ये एक आर्टिक सी और एलोवेरा जेल डेली कंज्यूम करनी है, ताकि अगर जो हमारा बैड लाइफस्टाइल है, मार्केट में हम कुछ भी खाना पीना इधर का खा रहे हैं, वो हम हेल्दी रख सकें। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, टॉपिक तो चलो मेरा कुछ हो रहा, पर मेरे सामने प्रोडक्ट्स पड़े थे, मेरा इस चीज़ के ऊपर ध्यान गया, क्योंकि मोस्टली हमारी आज की जो जनरेशन है, आज के जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो यूथ है, वो इन चीज़ों को इग्नोर करता है। हम इस बिजनेस के साथ जुड़े इस प्रोडक्ट्स की वजह से, अगर इस बिजनेस में ये प्रोडक्ट ना होते तो हम इस बिजनेस को ना ज्वाइन करते, क्योंकि हम यहाँ पे किसी की गाड़ी देख कर, किसी की कार देख कर, या किसी का चेक देख कर ज्वाइन नहीं थे हुए, ठीक है। हाँ हमने देखा था भी यहाँ पे हमारा करियर बन सकता है, पर पहले हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स को यूज़ किया और प्रोडक्ट्स को देखा था, प्रोडक्ट की वैल्यू को समझा था, जब हमने मंदीप सर की ट्रेनिंग लगाई थी भी प्रोडक्ट हमारी हेल्थ के लिए कितने ज़रूरी हैं। हमें नहीं था पता पहले दिन भी, 25 अगस्त को जिस दिन मैंने प्रोडक्ट्स बाय किए थे या 2 CC किया था जिस दिन, मुझे नहीं था पता भी मैं इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म करूंगा या नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी जल्दी हम डिसीजन नहीं बना पाते, है ना, या मैं मैनेजर 100% बन ही जाऊंगा, पर मुझे इतना पता था भी हाँ इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, ये 2 CC के जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं इनको यूज़ करके मेरी हेल्थ अच्छी रह सकती है, ये मुझे पता था, ठीक है, भी मेरी मम्मी डैडी की हेल्थ और मेरी हेल्थ अच्छी रह सकती है। तो आज की डेट में हम अक्सर सुनते हैं हमारे आसपास रिश्तेदारों में पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स कितनी हैं, पर जो लोग हमारे रिश्तेदार हमसे ये प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, वो हमसे इन प्रोडक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी हेल्थ और लोगों से बहुत डिफरेंस है। तो आपको भी मैं दोस्तों यही रेकमेंड करूंगा, हमारा एक एलोवेरा जेल और एक आर्टिक सी एटलीस्ट अपने मम्मी पापा को जरूर यूज़ करवाएं, जरूर यूज़ करवाएं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके मम्मी पापा, आपकी फैमिली है, ठीक है। पैसा आप कमा लोगे इस बिजनेस में, इतना पैसा कमा लोगे भी आपकी पैसे की भूख ही खत्म हो जाएगी। मैंने अगस्त 2014 में जब स्टार्ट किया था, मेरी जेब में 750 रुपये थे, आज पैसे की जो भूख है भी हाँ बहुत पैसा ऐसा 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 नहीं है। मेरा ड्रीम नहीं था फॉर्चुनर गाड़ी लेना, मर्सिडीज़ गाड़ी लेना, आज मैंने मर्सिडीज़ गाड़ी 5 साल चलाई, नहीं ली है ना, उसके बाद अभी जस्ट 2 महीने हुए हैं, हाँ 1.5 महीना हुआ है अभी, फॉर्चुनर गाड़ी 50 लाख रुपए की ली इस बिजनेस में। इसके अलावा आज की डेट में कभी हम रोडवेज की बस में जाया करते थे, पर आज की डेट में जो रोडवेज की बस है वो मेरे लिए एयरप्लेन बन चुका है ना, जो जहाज है वो रोडवेज की बस बन चुका है, अब मुझे उसमें सफ़र करना अच्छा नहीं लगता। उसके लिए विजन क्या है भी, अभी और काम करना है, 1 करोड़ रुपये महीने का कमाना है, उसके लिए बिजनेस क्लास में इन फ्यूचर ट्रैवल करना भी, जितनी जल्दी हो सके हमें नॉर्मल फ्लाइट में सफ़र ना करना पड़े, है ना, क्योंकि देखिए अगर आप दुबई जा रहे हो, दुबई की अगर 25,000 की टिकट है और बिजनेस क्लास की, इट मीन्स आपकी 1 लाख रुपए की टिकट है। तो अभी इन चीज़ों के लिए भी हाँ, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी, देखिए इंसान पहले ज़रूरतों के लिए काम करता है, फिर सपनों के लिए काम करता है, फिर और बड़े सपनों के लिए काम करता है, फिर और बड़े सपनों के लिए काम करता है ना। और ज़िंदगी में विज़न बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें जो चीज़ मोटिवेट करती रहे,
जिंदगी में सबसे खतरनाक होता है जब आपके सपने मर जाते हैं। सपने बरकरार रहने चाहिए, सपने बरकरार हैं तो जोश बरकरार है, जोश बरकरार है तो मेहनत बरकरार है, मेहनत बरकरार है तो रिजल्ट तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है जी, तो दोस्तों सबसे जरूरी है आप आपकी डेली रूटीन के लिए ये आपका मोबाइल फोन आज की डेट में इतना के ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है लोगों की लाइफ में भी। लोग बिना सांस के तो रह सकते हैं पर मोबाइल फोन के मैंने रह सकते, स्पेशली इंटरनेट के बिना। अभी इंटरनेट पे दो तरह के लोग हैं, एक तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एक टाइम यूज कर रहे हैं। पर 5% लोग इंस्टाग्राम से, इंटरनेट से पैसा कमा रहे हैं, 95% लोगों को पैसा दे रहे हैं। जब आपने एक घंटे के लिए इंस्टाग्राम चला लिया तो एक घंटा इंस्टाग्राम को पैसे दे दी, जिन लोगों की रील्स देखी उन लोगों को पैसे दे दिए, जिन लोगों के व्लॉग्स देखे उन लोगों को पैसे दे दिए। ठीक है, एक घंटा आपने अपने पैसे किसी को दे दिए, या फिर वही एक घंटा आप अपने ऊपर लगाओ, पैसे खुद कमाओ। कैसे? अभी आपके पास कितने सर्कल हैं, कितने लोग हैं, कितने ब्लॉगर्स हैं, आप उन सबके साथ क्लैप करें, सिस्टम के साथ जुड़ें, लोगों को साथ मिलें, उनके साथ बात करें। ठीक है, बात करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको नहीं पता कौन पर्सन बैठा है, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले और मैं इस बिजनेस में कामयाब हूँ, जब मैं ज़िंदगी में कामयाब हूँ। जितने आज हमारे टीम फायर का अगर हम नेटवर्क चेक करें, मुझे लगता है 2500 से ज़्यादा मैनेजर बन चुके होंगे। वो 2500 मैनेजर बैठे थे भी हमें कुछ मौका मिले ज़िंदगी में, हम अपने आप को प्रूव कर सकें। पर अक्सर हम सुनते हैं लोगों से ये बात, नहीं सर कोई सुनता नहीं है, सर कोई मानता नहीं है। देखिए, मानेंगे भी सुनेंगे भी आपके सामने है, मजबूरी बन जाएगी लोगों का इस बिज़नेस के साथ जुड़ना, मजबूरी। कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द ब्यूटीफुल बिजनेस इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, ये एक ऐसा बिजनेस है, आप जोर लगा लें, जिंदगी में जोर लगा लें, अकेले कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। आपको लगता है ना भी हाँ मैं अकेला कभी कामयाब हो जाऊंगा, कामयाब सबसे पहले कामयाबी का मतलब पता होना चाहिए। आधे लोगों को लगता है सरकारी नौकरी मिल गई वो कामयाबी है, जब मैं 1 लाख कमाने लग गया वो कामयाबी है। नहीं, 1 लाख कमाना कामयाबी नहीं है, ये वहम निकाल दीजिए। 1 लाख इज जस्ट नथिंग। ठीक है, कामयाबी तब है जब आप 1 करोड़ रुपया एटलीस्ट 1 साल का कमा रहे हो, तब आप अपने आप को थोड़ा सा कामयाब थोड़ा सा कह सकते हो। ठीक है, जब आप 10 करोड़ रुपया कमा लो फिर आप अपने आप को कह सकते हो 1 साल का जब 10 करोड़ कमाओगे कि हाँ आई एम नाउ, हूँ मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ, मैं अपनी एक अच्छी सिटी में एक घर बना सकता हूँ, अच्छी गाड़ी होगी, एक अच्छा लाइफस्टाइल विद फैमिली अफोर्ड कर सकता हूँ। क्लियर है जी? तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कामयाबी क्या होती है। ठीक है, तो कामयाब होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मेहनत, है डेली रूटीन। अभी आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है फॉलोअप के ऊपर, जो प्रिंसिपल के ऊपर अभी नगिंदर जी ने, उन बातों को अच्छे से समझें और लोगों के साथ बात करें। लोग बैठे हैं वेट कर रहे हैं कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले, हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएं। आपकी तरह हमारी तरह बहुत लोगों को इस अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, उन लोगों तक पहुंचें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जब हम इस बिज़नेस को किसी के पास लेकर जाते हैं तो अक्सर हमें मार्केट में सुनने को मिलता है, लोगों से सुनने को मिलता है, सर कोई ज्वाइन नहीं होता, कोई जुड़ता नहीं है। देखिए, ज्वाइन लोगों ने पहले आपके साथ होना है, कंपनी के साथ बाद में होना। सबसे पहले जब आप किसी बिजनेस इस बिज़नेस को किसी के पास लेकर जा रहे हो तो लोग आपके साथ पहले जुड़ेंगे, आपको पहले देखेंगे भी जिस पर्सन के साथ हम ज्वाइन हो रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो बोलता कैसे, उसको नॉलेज कितनी है। ठीक है, वो हम अभी मेरे साथ अगर कोई पर्सन आ रहा है तो मेरे में वो अपना फ्यूचर देख रहा है ना भी, हाँ इस बंदे में दम है, इसके साथ जिस बंदे में दम है लोग उसके साथ जुड़ते हैं। तो अपने आप में दम लेकर आएँ, कॉन्फिडेंस लेकर आएँ, दम का मतलब कॉन्फिडेंस। ठीक है, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो उस पर्सन को आप श्योरिटी दवाएँ भी, यस अगर मैं आप मेरे साथ चलेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। ये शॉर्टी दिलवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भी, हाँ अगर मैं आपके साथ जुड़ूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो कामयाब तभी हो पाओगे अगर कॉन्फिडेंस लेकर आओगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस का मतलब भी जब फ़ोन पे बात कर रहे हो किसी के साथ, हेलो मुझे हाँ जी शर्मा जी मैंने आपको एक बिजनेस प्लान बताना था, वो बंदा कहेगा क्या बिजनेस प्लान है, कॉन्फिडेंस बात में दम ही नहीं आप, है ना। मतलब जब आप बात कर रहे हो ऐसे बात करो भी जैसे किसी का इंटरव्यू ले रहे हो। ठीक है, आप में दम होना चाहिए आपकी बात, आप ऐसा फील करें भी आप मैनेजर हो। ठीक है,
आज की डेट में देखिए, जितने मैनेजर्स हैं या जो भी 1 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं, उनका डेली रूटीन चेक करिए। आप जैसे बनना चाहते हो ना, जिनके जैसे जो जो भी आपका कह लीजिए भी इंस्पिरेशन है, जिसको देखकर आप मोटिवेट होते हो, या जिसको देखकर यार उस वो इंसान आज स्टेज पे गया, सक्सेस डे पे गया, उसके इतने सीसी हैं, उसका इतने का चेक है, वो ये कर रहा है, आप उसका डेली रूटीन देखिए, वो कितने बजे उठते हैं, कितना टाइम आज भी काम करते हैं, 2 लाख महीने का आ रहा है, 5 लाख महीने का आ रहा है, 10 लाख महीने का आ रहा है, इतने पैसे आने के बाद भी आज भी उनका डेली रूटीन क्या है। डेली रूटीन मतलब 8 घंटे आज भी बंदा ऑफिस में बैठते हैं, कॉलिंग करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, कॉलिंग करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। सिंपल फंडा है, बस यही है। आपने भी अपनी डेली रूटीन ऐसे बनानी है। ये मतलब समझे भी अभी मैंने यस किया है, मैं आऊँगा इस बिजनेस को ज्वाइन करूँगा और मैं सीधा 1-2 बंदों को बताऊंगा और मेरे साथ जुड़ जाएंगे, वो मैंने नहीं। स्पेशली अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हो दोस्तों, ठीक है, पीने लंच टाइम के लिए जैसे जो में होता है, फिर उसके बाद अपनी जॉब को कंटिन्यू करो, लैपटॉप के आगे बैठो, कॉल के आगे बैठो, बात करो लोगों के साथ, बिजनेस के बारे में बताओ, फिर ही आगे आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। ठीक है जी, बाकी इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर को बुलाना चाहूँगा। ठीक है, तो जसप्रीत जी आ गए। सो नेक्स्ट स्पीकर हमारे बीच में है जो मेरे ब्रदर ही हैं, ठीक है, मिस्टर रुपिंदर सिंह बाजवा जी। सो मैं उनको इनवाइट करता हूँ, आगे का जो आपको टॉपिक है वो बताएंगे, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से सबको ऑल दी बेस्ट है जी, और इन प्रोडक्ट्स को यूज़ ज़रूर करना है, हर इंसान ने इस प्रोडक्ट के ही ऑर्डर ज़रूर पाना है, इसको यूज़ करो, हेल्थ सही रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, मैं इन्वाइट करता हूँ नेक्स्ट स्पीकर। जी वेरी गुड आफ्टरनून लीडर्स, आप सभी का वेलकम है हमारे लेवल अप सेशन में। बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे दो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जिनको एक्सपीरियंस है उन स्पीकर्स को सुना ना, आपको पता लगा होगा हर एक बंदे के एक्सपीरियंस से भी जो फॉर एवर बिजनेस है वो कोई 1-2 साल का या 3 साल का बिजनेस नहीं है। आप इसको एज ए करियर लाइफ टाइम इस बिजनेस को चुन सकते हो और अपने ज़िंदगी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। अभी तक बात हुई है प्रिंसिपल्स की, सर ने प्रोडक्ट्स के साथ इस बिजनेस को रिलेट किया, अभी हमारे बिजनेस के लिए प्रोडक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है ना, वो सारी चीज़ें आप सभी को समझा चुकी होगी। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। नाम रुपिंदर है और मैं श्री चमकौर साहब से मैं बिलोंग करता हूँ, और 27 अगस्त 2024 को फॉर एवर लिविंग में मेरे को 10 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो एक तो यहीं पे एक चीज़ आ जाती है भी, हाँ जी, अगर आप किसी बिजनेस को कर रहे हो, अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, तो वो 1-2-3 साल बाद लोगों के बिजनेस ना स्विच होते जाते हैं। आपने देखा होगा एक बंदा कोई बिजनेस कर रहा था, वो बंदा अभी वहाँ वो छोड़ के कोई और कर रहा है, जहाँ आपने जॉब्स में देखा होगा एवरीबडी हर वक्त कोई बड़ा लेवल उससे बड़ी जॉब मिल जाए, उससे बड़ी जॉब मिल जाए, मेरी 50,000 की सैलरी हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरी वो चीज़ें हो जाएंगे ना, वो अपडेट मांगता रहता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप सभी ने देखी होगी भी जो नगेंद्र जी आए थे, उनको भी ऑलमोस्ट 5-6 साल का समा इस बिजनेस में हो चुका है। आपने गुरिंदर सर को सुना, उनको भी ऑलमोस्ट 10 साल का समा हो चुका है। अभी आप मेरे को सुन रहे हो तो मेरे को भी 10 साल इस बिजनेस में नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं या इस मंथ होने वाले हैं 27 अगस्त को। तो आप यहीं से एक अपने लाइफ की या अपनी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बना सकते हो और इस बिजनेस को एज ए फ्यूचर या कह लो भी एज ए प्रॉपर पूरी ज़िंदगी के लिए आप के शुरू कर सकते हो। और पूरी ज़िंदगी नहीं मैं बोलूँगा, आपकी आने वाली जनरेशंस तक ने फॉर एवर बिजनेस पास आउट होना है। अभी इस आर्टिक्सी की बात जब सर ने की तो आपको पता लगा भी आर्टिक्सी मेरे लिए ज़रूरत है ना, मेरी फैमिली की ज़रूरत है। क्या हमारी आने वाली जनरेशन को हेल्थ की ज़रूरत नहीं होगी? आने वाले समय में हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे और कम होंगे,
बढ़ेंगे ना। अगर आज हॉस्पिटल जगह जगह खुल रहे हैं, जगह जगह पे 5-स्टार होटल्स बन रहे, होटल्स की जगह हॉस्पिटल बन रहे हैं। हमारे मोहाली में ना 7 फेस में एक फोर्टिस हॉस्पिटल है, आप उसको बाहर से देखोगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे किसी 5-स्टार होटल की बिल्डिंग है। उल्टा मोहाली में कोई अभी 5-स्टार होटल भी नहीं खुला ना, चंडीगढ़ में बहुत है। तो आप देखिए अभी 5-स्टार हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, लोगों को इतनी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, न्यूट्रिशन की कमी वीकनेस लोगों में आ रही है। हर एक बंदा न्यूट्रिशन चाहता है, बढ़िया हेल्दी रहना चाहता है ना, बट लोगों के पास टाइम नहीं है। और हम जो खाना खा रहे हैं वो खाने से सिर्फ और सिर्फ हमारा पेट भर रहा है, हम लोगों को एक पेट भर जाता है, भूख मिट जाती है, बट उससे हमें क्या न्यूट्रिशन मिला? आपने आज सुबह उठ के ब्रेकफास्ट किया होगा, ब्रेकफास्ट में आपने अंडे खाए, परांठा खाया, या जो भी आपके ब्रेकफास्ट में आप खाते हो, आप देखिए भी मैंने खा तो लिया, उससे मेरे को न्यूट्रिशन क्या मिला? मेरे की बॉडी में विटामिन मिनरल्स जो मेरे को चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, एंथ्राक्निन्स चाहिए, कितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, क्या वो मिले? अगर तो मिले तो गुड है, अगर नहीं मिले तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोगों को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। आने वाले समय में जो मिलावट हो रही है वो बढ़ेगी, हमारा फूड है जो सिस्टम टोटली सिस्टम खराब हो गया ना, यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल, तरह तरह की स्प्रे दवाइयों से, वॉशिंग पाउडर से लोग दूध बना रहे हैं ना, तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं और आने वाले समय में न्यूट्रिशन की डिमांड बढ़ेगी। और जो फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स हैं वो घर पे कंपलसरी हो जाएगा यूज़ करना, एलोवेरा कंपलसरी हो जाएगा बॉडी टू डिटॉक्सिफाई करने के लिए, आर्टिक सी बाकी जितने ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं सभी के सभी कंपलसरी हो जाएंगे अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा जो फ्यूचर है फॉरएवर बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा सेफ है। हम लोग एक हेल्थ का बिजनेस कर रहे हैं और हेल्थ की ज़रूरत सारी ज़िंदगी लोगों को पड़ेगी पड़ेगी ना, और हेल्थ के साथ साथ वेल्थ का बिजनेस है। अब मार्केट में जाओ, भागो, दुनिया ने बड़े बड़े जिम खोले हुए हैं, वहाँ पर ट्रेनर मिल जाएंगे, उसके इतने इतने बड़े डॉले होंगे ना, वो यार भाई क्या बॉडी है, उसके पास बॉडी है, उसके पास पैसा नहीं है। आप उसको पूछोगे ना, वो ऑल वो ध्यान में लगे, यार मैं इसको क्लाइंट से इसको ये यहाँ से पैसा निकालो, जहाँ से पैसा निकालो। और दूसरी तरफ दुनिया में ऐसे बहुत लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर वो बेड पे पड़े हैं, इंजॉय करने का टाइम नहीं, इतने इतने बड़े पेट निकले हुए हैं ना। फॉरएवर बिजनेस में आपको वेल्थ और हेल्थ दोनों चीज़ें इक्वल स्टेज पे मिलेंगी। ये बात मैं पहले दिन ही समझ गया था ना, आप सभी ने मे बी टाइम लिया होगा, किसी ने दो किसी ने होंगे 1 महीने समझने के लिए, किसी ने 2 महीने, सर मैं स्टडी करूंगा जी, मैं समझूंगा। मेरे भाई मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, मैंने पहले ही दिन फॉरएवर नेक्टर से अपनी ज्वाइनिंग कर ली थी और पहले ही दिन मेरा प्रॉपर माइंडसेट बन गया था, यार अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर बिजनेस को करना है और अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करना है ना। तो आज 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ऑन एंड एवरेज अगर मैं बात करूँ 2.5 लाख रुपये मैं इस बिजनेस से कमाता हूँ, 3 गाड़ियाँ मैंने इस बिजनेस से ले ली ना, एक फ्यूचर सिक्योर बना लिया, बहुत बहुत सी चीज़ें इस बिजनेस की वजह से हुई, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, या कह लो अपने लाइफ स्टाइल को एक ऊपर लेके जाने वाला मेरा इस बिजनेस में सफर रहा ना। और दूसरी तरफ दोस्तों अभी बात आती है डिसीजन की, आज जो मेरी ट्रेनिंग होगी ना, जो 15-20 मिनट 25 मिनट में आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा, वो मेरी बात ही डिसीजन पे होगी भी, हम लोगों ने फॉरएवर बिजनेस में डिसीजन कैसे बनाना है ना। अभी बहुत से लोगों के माइंड में आता होगा जी चलो ठीक है जी ट्राई करते हैं, करके देखते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो देखी जाएगी। बहुत सारे लोग ना साइड बाई साइड कुछ ना कुछ चला रहे होंगे, चलो यहाँ नहीं सेट आया, वहाँ पे सही, वहाँ पे सही। दोस्तों जब मैं इस बिजनेस में आया था ना तो मेरी BA की स्टडी चल रही थी, मेरे को इतना जरूर क्लियर था भी मैं 3 साल BA लगाने के बाद भी 5-10 हज़ार की जॉब नहीं ले पाऊंगा। अगर आपको डाउट है जो स्टडी आप कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा भी स्टडी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, जाओ स्टडी अपने आप को डेवलप करो ना, बट अगर स्टडी करने का पर्पज़ आपका जॉब करना है, पैसे कमाना है, वो नहीं होगा ना। तो मैंने 3 साल BA लगाने के बाद भी मेरे को पता था यार मैं कितना कमा लूँगा, 5-10-15 हज़ार कमा लूँगा। इन बिटवीन मैंने हम लोगों ने चेक भी किया, गुरेंद्र सर आपको बताना भूल गए, हम लोगों ने एक प्राइम फोकस नाम की एक कंपनी थी, वो कंपनी में हमने रिज्यूम दिए, तो आप अंडरस्टैंड करो कि हमारी जो वैल्यू थी वो 4500 रुपये पर मंथ लगी है, 4500 पर मंथ, 4500 रुपये क्या होता है दोस्त? तो लोग यार आगे BA करेंगे तो क्या बनेगा क्या बनेगा। जब फॉरएवर लिविंग जिंदगी में आई, मार्केटिंग प्लान हुआ,
2 cc के बारे में पता लगा, 25 cc के बारे में पता लगा, 75 cc के बारे में पता लगा, 120 cc पे जब पता लगा भाई 60,000 महीने का आता है, तो एक दिमाग से एक चीज़ सामने आई भी, जो मेरे ताया जी हैं ना, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब में, वो मैं कह रहा हूँ वो 1993 में उन्होंने जॉब स्टार्ट की थी, आज 25 साल बाद जाके या 30 साल बाद जाके उनकी जो सैलरी है वो 60-70 हज़ार रुपये हुई। मैं कहा आज मेरे को एक बिजनेस मिल रहा है जो बिजनेस मेरे को 8 महीने में 60-70 हज़ार रुपये पहुँचा रहा है। ये माइंड में आया चलो 8 छोड़ो, फिर लगा यार 60 हज़ार छोड़ो, 20-25 हज़ार आना स्टार्ट हो जाएगी, ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। फिर माइंड में एक चीज़ और आ गई भी ठीक है जी 60-70 हज़ार आ गया, 30-35 हज़ार आना ठीक रहेगा, एक ये 8 महीने बोल रहे हैं, 1.5-2 साल में आ गया तो बहुत बढ़िया रहेगा। पर दोस्तों हम लोगों ने अगस्त में इस बिज़नेस को 2014 में स्टार्ट किया, मई 2015 तक आते आते जो हमारी इनकम थी वो लाखों में थी, 50-60 हज़ार महीने का आना स्टार्ट हुआ, फिर और मेहनत की 70-80 हज़ार, फिर 1 लाख रुपये, फिर वहाँ तक पहुँचे ना, ऐसे चलते चलते सिस्टम अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो, वो चीज़ें हुई ना, तो 60-70 हज़ार 1 लाख पे पहुँचे, आज 2.25 लाख महीने के। अभी बात डिसीजन के आती है दोस्तों, यहाँ पे ना लग कुछ नहीं रहा, अगर आपको लग रहा है आपकी 2 cc आपकी इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आता है यार मैंने 2 cc की है, मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, 2 cc आपको इन्वेस्टमेंट नहीं है, 2 cc जस्ट और जस्ट आपकी परचेजिंग है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं ग्रोसरी को परचेज करने के लिए, कपड़े परचेज करने के लिए, ऐसे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 2 cc है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये बिजनेस फ्री का है जहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता। जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते थे 25 रुपीज़ का टैप फॉर्म हम फिल किया करते थे, तो हमारे सीनियर बोला करते थे भैया ये 25 रुपये का बिजनेस है, अगर आपने इसको 25 रुपये का समझ लिया लाख का नहीं, ये आपका 25 करोड़ का बिजनेस है, आपने 25 करोड़ समझ के इस बिजनेस को करना है और 25 करोड़ समझ के अपने बिजनेस को डेवलप करना है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर सको, तो इन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करो। तो दोस्तों डिसीजन उस लेवल का बनाइए, अभी अगर आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन पड़ी है तो उसको बंद कर दो, सेकंड ऑप्शन ही रखनी, और ठीक है जी स्टडी चल रही है, मैंने 95% के लिए नहीं पढ़ना, मैं पास हो जाऊँ 50-60% से बढ़िया है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपने फोकस ये ही करना है भी आपने प्रॉपर 100% डिसीजन बनाना है, 100% डिसीजन बना के अपनी लाइफ को फॉरएवर बिजनेस में लेकर जाना और प्लान चलना है। आज ही अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, सर मेरे को ना एक प्रॉपर रोड मैप बना के दो, हाउ आई विल बिकम मैनेजर इन नेक्स्ट 8-9 मंथ्स, सीधी सी बात है, कितनी डायरेक्ट लाइंस को मेरे को बिजनेस करना पड़ेगा, कैसे कैसे मैंने अपने टीम्स को ट्रेन करना है, कैसे कैसे मैंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, वो प्रॉपर एक रोड मैप आप बना लीजिए, वो एक रोड मैप बना के अपने बिजनेस को डेवलप कीजिए। अभी उसके बाद बात आती है जी, रोड मैप भी बन गया, अभी वर्किंग, बहुत सारे लोग ना सोचते हैं जी इंस्टाग्राम का बिजनेस है, अभी हाँ जी इंस्टाग्राम पे मैं डालूंगा, एनीबडी नो हाउ वर्क फ्रॉम होम, ये वो नथिंग, कुछ जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी एक लिस्ट बनाइए, वो लिस्ट बनाइए सबसे पहले 100 वो पर्सन जिनको आप जानते हो। अभी लिस्ट बनाने की स्टार्टिंग होगी तो बहुत सारे लोग सोचेंगे जी मैं लिस्ट बना लेता हूँ, मेरे पास तो बंदे नहीं है। इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे कितने आपके फॉलोइंग है, वो एक एक बंदे का आप नाम लिखिए जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद फ़ोन खोलिए, मोबाइल फ़ोन, वहाँ पे जितने आपके कॉन्टैक्ट हैं, मासी बुआ का लड़का हो जो भी है, सभी के नाम लिख लीजिए। उसके बाद तीसरे वो बंदे जो आपके साथ स्कूल में पढ़े हैं, चौथे वो पर्सन जो आपके साथ कॉलेज में है, जो कभी हेलो हाय, उस सभी का आप नाम लिख लीजिए, वो सभी आपके प्रॉस्पेक्ट हैं। इस बिजनेस को आप इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे आपको तब ले जाने की ज़रूरत होगी जब आपके जितने नॉन कॉन्टैक्ट्स हैं वो सभी को आप इस बिजनेस में ले आओगे किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो प्रोडक्ट्स यूज़र हो, चाहे वो फॉरएवर बिजनेस कर रहे हो ना। तो वो चीज़ें आपने अपने माइंड में बिठा के रखनी है भी, सबसे पहले अपने जितने नॉन सर्कल हैं उन सभी को आपने इस बिजनेस के बारे में बताना है, बता दीजिए, ढिंढोरा पीट दीजिए। जैसे एक लड़का होता है ना, तो जब लड़का भाई लड़का हुआ ऐसे बोल दीजिए अपने सराउंडिंग जाके लोगों को भी, हाँ जी मैं फॉरएवर बिजनेस कर रहा हूँ, ये ना मत बोलना जी मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ये बोलो जी मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस वर्ड में बहुत बड़ी पावर है भी, मैं फॉरएवर बिजनेस कर रहा हूँ। लोगों दोस्तों को बता दीजिए ना भी, हाँ जी मैं फॉरएवर बिजनेस कर रहा हूँ, आने वाले 8 मंथ में 1 साल में मेरी इतनी इनकम होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। मतलब कि अपनी मैनिफेस्टिंग को जितना आप बढ़ा दोगे, जितना आप बोल दोगे, उतनी आपकी जो लाइफ है वो आगे चलनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे हमने स्टार्ट किया आज से तकरीबन 10 साल पहले, लोगों को बता दिया, कोई ऐसा
बंदा नहीं छोड़ा। मैंने चाहे मेरी मासियां थी चाहे मेरे बुआ के लड़के थे, सभी को फॉर एवर बिजनेस के बारे में बता दिया, सभी को बता दिया भी यार ऐसे ऐसे बिजनेस हम लोग स्टार्ट करें। कहीं ने मजाक उड़ाया ये नहीं होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, 50,000 महीने का कौन कमाता है, सरकारी नौकरी में आता है। जब पहला चेक आया 55,945 रुपये का, तो चलो एक बार आ गया। कहीं ने बोला पूरे साल की कमाई आ गई क्या एक चेक में, क्योंकि लोगों को यही बातें होती है ना भी 5,000 रुपये मंथली। पर जब दूसरा चेक आया, दूसरे तीसरे महीने बस 2 महीने आएंगे, जब तीसरा चेक आया बस 3 महीने आएंगे, करते करते दोस्तों आज 10 साल हो चुके हैं। ऐसे ही आपने इस बिजनेस में प्रॉपर डिसीजन बनाना है, लिस्ट जो अभी तक आपने सीखी है वो सभी चीजों को आपने 100% फॉलो करना है। और बी पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मार्केट में निकलोगे, नेगेटिविटी थोड़ी सी आएगी, लोग बुरा भला बोलेंगे, लोग बोलेंगे ये बिजनेस नहीं चला करते, क्योंकि वो 9 to 5 रैट रेसिस में फंसे हुए हैं। बट हम लोगों ने रैट रेसिस से बाहर निकलना है, तो अगर रैट रेसिस से बाहर निकलना है तो दोस्तों फॉर एवर बिजनेस ही हमें रैट रेसिस से निकाल सकता है ना। तो इन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कीजिए। सो अभी जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं मिस्टर जसप्रीत जी, वो इस मीटिंग में आ चुके हैं। जसप्रीत सर, आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। हाँ जी जसप्रीत, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, सो जसप्रीत जी हाँ जी, हाँ जी, मीटिंग आवाज में आ आ रही चुके हैं। आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी, तो दोस्तों अभी तक आपने 3 टॉपिक देखे ना, डिसीजन प्रोडक्ट पे और प्रिंसिपल पे। मैंने आपको एक प्रॉपर डिसीजन पे आज बात की भी, हमने फॉर एवर बिजनेस को अपना प्रॉपर लाइफ टाइम के लिए अपनी जिंदगी में आगे रखना है। तो अभी मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट कर रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने आज से 10 साल पहले स्टार्ट किया, तो जसप्रीत सर ने भी हमारे साथ 10 साल पहले एक साथ हम लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज जो जो अचीवमेंट्स हैं, जो जो भी इन्होंने अपने बिजनेस से लिया है, वो सारी चीज़ें ये आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, सो मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी। टेक केयर, थैंक यू रविंद्र जी। हाँ जी, नमस्कार जी सभी को मेरी तरफ से, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, और जो अभी तक की आपको सेशंस मिले हैं, जो ट्रेनर्स, जो हमारे लीडर्स ने आपको अभी तक जो सारी नॉलेज पर डिलीवर की है, तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, बहुत अच्छा सेशन चल रहे हैं, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो चीज़ें मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा, और वो जो टॉपिक रहेगा वो टाइम मैनेजमेंट पे रहेगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, राइट, बिजनेस के बारे में, पर उसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी ज़रूरी हैं, जो कि क्या होता है कि सबसे मेनली जो हमारा टाइम होता है, तो टाइम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ में थोड़ा सा मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगा आपके साथ में, ठीक है जी। उससे पहले तो मेरा नाम जसप्रीत सिंह है, और मैं लोकली मोहाली के नज़दीक गाँव से बिलोंग करता हूँ, और इस सिस्टम को करते हुए नियर अबाउट 9-9.5 साल हो चुके हैं। और रेंडमली इस सिस्टम में आया था और देखा एक एज अ स्टूडेंट लाइफ में, तो उस टाइम पे मेरा एक ही सिंपली, जो आप लोग भी देख रहे हो, आप में से बहुत सारे दोस्त स्टूडेंट्स होंगे, राइट, और कुछ लोग जॉब में होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो मेनली क्या था कि मेरा पर्पस भी यहाँ पे आने का मेनली पैसा था, उसके साथ में थोड़ी बहुत स्किन की प्रॉब्लम्स थी, तो प्रोडक्ट्स मिले, सिस्टम मिला, तो समझ में आया कि हाँ जी क्या चीज़ें हैं, क्या हैं यहाँ पे, क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से मैं वो कर सकता हूँ। बट हाँ, एक चीज़ थी कि बिजनेस का कुछ नहीं पता था और माइंडसेट बहुत छोटा था, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल पाई, यहाँ से माइंड को ब्रॉड हुआ और एक अच्छी चीज़ समझ में आई कि हम भी बिजनेस करके अपने करियर में कुछ आगे कर सकते हैं बढ़िया। तो इस सिस्टम की बदौलत वो सारी चीज़ें हुई, और धीरे धीरे जब स्टार्ट किया नॉलेज लेने के बाद में, तो आगे जा कर के धीरे धीरे लेवल को अप किया। जैसे आप अभी बहुत सारे दोस्त हैं अभी जो रिसेंटली असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल करके इस सिस्टम में आए हैं, तो उन सभी को बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पहला स्टेप ले चुके हैं। और अब आगे का क्या है, आगे की सारी चीज़ें थी जो डे बाय डे आपके साथ भी आगे होंगी, और आप अपने लेवल अप करोगे और अच्छी मेहनत के साथ में।
तो मैंने वो सारी चीज़ें की, मैनेजर बना, नियर अबाउट 9 मंथ में मैनेजर बना, और उसके बाद में टीम में मैनेजर्स बनते गए, बहुत सारे ट्रिप क्वालिफाई हुए और बहुत अच्छी इनकम स्टार्ट हुई। जो चीज़ें मैंने सोची नहीं थी वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर पैकेज में मिल गई, राइट। तो शायद आप लोग भी इसी उम्मीद में हो, राइट। तो उस उम्मीद के लिए आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज तो मिल रही है, बट उसके साथ में थोड़ा सा मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो मैनेजमेंट क्या होती है, वो टाइम मैनेजमेंट, राइट। तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसा टाइम होता है जो हम कहीं ना कहीं वेस्ट कर देते हैं, तो शायद वो आपको मैं अभी क्लियर कर पाऊँ, राइट। तो आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं टाइम मैनेजमेंट की, सभी के पास में 24 घंटे हैं, राइट। आप मेरे पास में भी 24 घंटे हैं। बहुत अच्छा कोई बिजनेसमैन है, कोई अच्छा लीडर है मान लो, या कोई अच्छा, हर किसी के पास में 24 घंटे का टाइम मिला है। तो आप लोगों को भी शायद किसी को लग रहा है कि हाँ जी कि हमें कुछ एक्स्ट्रा, किसी को 1 घंटा 24 से ज्यादा मिला, ऐसा तो कुछ नहीं है, राइट। तो आप लोगों को भी क्या करना चाहिए इस चीज के लिए कि हाँ जी हमें इस चीज की प्रायोरिटी को देखना पड़ेगा कि हाँ जी कि टाइम तो सेम ही है, बट उस टाइम की कदर कौन कर रहा है या हम कितनी कदर कर रहे हैं ये मैटर करता है। फर्स्टली डिसाइड यू आर वर्किंग फुल टाइम और पार्ट टाइम, राइट। आपको ये सारी चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए कि हाँ जी कि मुझे इस सिस्टम को पार्ट टाइम करना है या फुल टाइम करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं कि हाँ जी कि मिक्स मैशअप में चलाते हैं, तो वो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। आपको टाइम एक प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ जी कि अगर मुझे फुल टाइम करना है तो जैसे हम एक जॉब को करते हैं 8 से 9 घंटे 10 घंटे, तो उस तरीके से हमें इसे टाइम देना पड़ेगा जो आप में से फ्री पर्सन है, राइट। जो ऑलरेडी कुछ वर्किंग कर रहे हैं तो अगर वो उसे पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो 4 से 5 घंटे तो एटलीस्ट 4-5 घंटे आप यहाँ पे टाइम दें। अगर आप टाइम दोगे तभी आपको टाइम उस चीज की वैल्यू निकाल के देगा, क्योंकि अगर हम वही चीज आ गई कि बहुत सारे दोस्तों को देखा है, राइट, अभी आप लोगों में से AS करने के, असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद में भी, ठीक, वो क्या होगा कि माइंड में ये सारी चीजें चलती रहेंगी। हम तभी वो एक टाइम पंचुअलिटी, एक टाइम फिक्स करके उतना टाइम प्रॉपर दें जिससे आपको एक अच्छा रिजल्ट और एक अच्छे लेवल मिल सके। फॉर एवर लिविंग इन 1 ईयर, राइट। आपका एक गोल होना चाहिए कि हाँ जी कि अगर आपको 1 साल में मैनेजर बनना है तो आपको उस चीज के लिए कुछ इफेक्टिवली टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। या आप में से अभी बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे हैं कि हाँ जी हमें 1 साल से ज्यादा टाइम लेंगे, हम 2 साल लेंगे तो पर हम अपना प्रॉपरली नहीं वो काम करेंगे, हम सम टाइम बेस पे करेंगे। अगर सम टाइम बेस पे करोगे तो आपको 2 साल छोड़ो 3 साल भी लग सकते हैं। अगर आप एक टाइम पीरियड के अंदर में और उसको मैं एक प्रॉपर बाउंडिंग के अंदर में आप काम करोगे, जैसे 8 से 9 घंटे फुल टाइम और पार्ट टाइम, तो उस टाइम पीरियड में आप 1 साल के अंदर अंदर इजीली अपने मैनेजर लेवल को डन कर सकते हो, राइट। आप लोगों को पता ही है कि मैनेजर लेवल क्या है, मैनेजर लेवल पे कौन से इंसेंटिव्स हैं, मैनेजर लेवल पे कैसी इनकम है, मैनेजर लेवल पे हम क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मार्केटिंग प्लान होगा तो उसमें आपने समझा होगा, ट्रेनिंग आप ले रहे होंगे या आगे लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इफ यू आर असिस्टेंट, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो उसमें हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी कि हमें करना क्या कुछ है। स्पेंड योर मैक्सिमम टाइम आपको कहाँ करना है, अपना टाइम जो स्पेंड करना है ना, अगर आप AS हो, जो अभी जो हम में से बहुत सारे दोस्त AS बने हैं, प्रोस्पेक्टिंग पे काम करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिंग पे मतलब कि हमें मैक्सिमम लोगों को, जो हमारे लीडर्स हैं, अभी रुपिंदर जी थे उन्होंने बताया कि हाँ जी कि एक प्रॉपर लीड, एक प्रॉपरली आपके पास में शेड्यूल होता हो तो उस पर हम काम करेंगे। तो वही चीज़ है कि आपके पास एक प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए आपके कॉन्टैक्ट्स, हम उसमें से प्रॉस्पेक्ट को कनेक्ट करेंगे, एक टच करेंगे, राइट। उस पर उन पे इन्विटेशन लगेगा, राइट, और मीटिंग्स हो गई, उसके बाद हम उनको मीटिंग्स करेंगे, बाकी साथ की साथ लर्निंग तो हो ही रही है, ट्रेनिंग्स तो आपको चलती ही रहेंगी। तो ट्रेनिंग्स तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितनी ये चलती रहे उतनी ज्यादा बेटर है। वो कहते हैं कि पॉलिशिंग का काम करेंगी, राइट, और उसके बाद में इंस्पायर योर टीम टू डू सेम,
अगर आप खुद अच्छा करोगे, वही सिंपल बात आ गई कि टीम वो नहीं करती जो आप बोलते हो, टीम वो करती है जो आप खुद करते हो। तो यहाँ पे ये चीज जरूरी है कि आपको पहले खुद करके दिखाना पड़ेगा, तो जो आपके साथ में आपकी टीम में है वो आप करोगे, वो आगे वो करेंगे, राइट। अभी आपने एएस किया है, आपकी जो अपलाइन है उन्होंने वो चीज की है, करके दिखाई, या जैसे हम लोगों ने अपना एएस किया, सुपरवाइजर किया, मैनेजर किया, तभी बाकियों ने हमें देख के किया ना उस चीज पे। तो वही चीज है कि पहले आपको एक उनको गोल, उनको एक चीज सेट करके करके दिखानी पड़ेगी, तब वो आपको फॉलो करेंगे, राइट। इफ यू आर अ सुपरवाइजर, अगर आप सुपरवाइजर हो तो वहां पे क्या होगा, मैक्सिमम टाइम आपका टीम वर्किंग पे होगा कि हाँ जी, कि आप अपनी टीम के साथ वर्क करो, उनके साथ में उनकी मीटिंग्स हो गई, टीम की प्रोडक्टिविटी, आप अपने डायरेक्ट पे काम करना है, राइट। ज्यादा से ज्यादा आपको हमेशा डायरेक्ट बेस पे तो काम करना ही है कि हाँ जी, कि हम अपनी डायरेक्ट में ज्यादा लाइंस ओपन कर पाए, अपने ज्यादा लोगों को इनवाइट करके सिस्टम में लेके। आज के टाइम में फ्री बैठे हैं और जिनको जरूरत है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको एक, वो सारी चीजें आपको एक एज अ सुपरवाइजर होने के नाते ये सारी चीजें देखनी होती हैं, राइट। एक टाइम को प्रॉपर बेस में मैनेज करके चलना है। जी, कि हम टाइम मल्टीप्लिकेशन पे भागें, राइट। तो जो टाइम की मैनेजमेंट करनी है वो हमें अपनी टीम की वर्किंग पे करनी है, बट जो हमारा सारा मेन फोकस रहेगा वो हमारा टाइम मल्टीप्लिकेशन पे रहेगा, ठीक है जी। सिंपली बात है, अगर आपके पास एक अच्छी नॉलेज है ना, आपके पास में प्रोडक्ट्स की, आपके पास में कंपनी की, राइट, और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इन चीजों से ये पता लगेगा कि हाँ जी, कि मेरे पास में नॉलेज है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूछे, या कोई कंपनी के बारे में पूछे, कंपनी के एसेट्स के बारे में पूछे, या कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में पूछे, तो मैं उसे बता सकता हूँ, राइट। अगर आपके पास में वो एक अच्छी नॉलेज है, कॉलिंग कैसे करनी है, इनवाइट कैसे करना है, ये सारी चीजें हैं ना, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें जो आपकी रेशो है, पहले स्टार्टिंग में जैसे हमारे पास नॉलेज कम है तो रेशो वही रहेगी कि हाँ जी, कि 50 हमने लोगों को टच किया, उसमें से एक या दो पर्सन रेडी हुए, राइट, हमारे साथ में। डे बाय डे जैसे हमारी एक नॉलेज बढ़ती जा रही है, हम अपनी अपने आप को पॉलिश कर रहे हैं ट्रेनिंग्स में से, तो वो रेशो का क्या होगी, 40-30-20-10 आ जाएगी कि हाँ जी, कि आप उसमें से क्या होगा कि 10 लोगों में से भी आप एक या दो पर्सन को इस सिस्टम में रेडी कर लोगे अपने साथ में आगे बिजनेस करने के लिए। वो सारी चीजें होंगी जब आप एक अच्छी नॉलेज के साथ में करोगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द टाइम मल्टीप्लीकेशन, राइट। इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ योर बिजनेस, इससे ही आपकी इसमें टीम में प्रोडक्टिविटी बनेगी, बढ़ेगी और चीजें होंगी, राइट। अगर आप एक रेशो पे उन चीजों पे काम करोगे, अगर हम वही चीज देख ली कि हाँ जी, कि जब अगर 50 में से अगर हम स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं, 50 में से हम वही कि हाँ जी, 10 लोगों को टच किया, 20 लोगों को टच किया, तो उसमें से हम उम्मीद कर रहे हैं और नॉलेज हमारे पास इतनी है नहीं, तो जो भी हो, क्योंकि हमें जरूरी है साथ में करें ताकि एक अच्छी रेशो निकल के आएगी। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ऑल ग्रेट लीडर्स आर अर्ली राइजर्स। एक अच्छा लीडर है ना, अगर आप अच्छे लीडर हो, अगर आपने अच्छी नॉलेज ली है, अगर आप अपने काम के लिए सिंसियर हो, अगर आप अपने के लिए काम के लिए पंचुअल हो, और अपने गोल के लिए, अपने करियर के लिए, तो जो एक अच्छा लीडर है वो मॉर्निंग में अर्ली उठेगा, राइट। वो ग्रुप्स बने हैं हमारे, या हमारे जो साथ में पर्संस, हमारे साथ टीम काम कर रही है, वो सभी लोग क्या करेंगे, हाँ जी, कि हम उनको फॉलो अप लेंगे, उनको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, राइट, और उनको रेडी करेंगे कि हाँ जी, कि
हम आज का शेड्यूल या आज मॉर्निंग का वर्किंग के लिए स्टडी प्रॉपरली रेडी रहें, राइट? तो ये सारी चीजें एक अच्छा लीडर करेगा, ठीक? सबसे इंपॉर्टेंट है टफ काम सबसे पहले करिए, यही जरूरी है। और यहाँ पे क्या होता है कि हाँ जी, कि हम इम्पोर्टेंट और जो सबसे टफ काम होता है हम उससे भागते हैं कि इसको बाद में देख लेंगे, ठीक? वो बाद में देख लेंगे चक्कर में क्या होता है कि हाँ जी, फिर वो बाद की बात ही रह जाती है। तो सबसे जरूरी है कि एक फ्रेश माइंड के साथ में जब हम मॉर्निंग उठते हैं, अपना शेड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, तो तब उस टाइम पे जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट और टफ लग रहा है उसे सबसे पहले करें, ताकि वो उस टाइम पे आप उस पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश होगा मॉर्निंग में, राइट? स्टॉप वॉचिंग टीवी एंड प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म, राइट? या आप लोग जानते ही हो, आप में से बोले कि हाँ जी, बहुत सारी नेटफ्लिक्स पे वो आ गई हैं, वो नई नई सीरीज आ रही हैं, चलो वो देख लें, मिर्जापुर आ गई, कौन सी कोई आ गई, सभी लोग ये चीजों पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये सारी चीजों से, इन चीजों पे स्टॉप लगाएं, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो मैं आपको बता दूं कि हाँ जी, आज तक भी अगर मैं आज भी बात करूं, तो अगर मैं कभी घर पे फ्री हूं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे पास मैं आधा घंटा टाइम लगा पाता हूँ टीवी पे, वो भी अपनी फैमिली के साथ में थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, कि हाँ जी, कि बैठ के थोड़ा वो चीज के लिए। वरना उसके अलावा टीवी का बिल्कुल भी नशा नहीं है, क्योंकि नशा जो है, जो मेन हमारा पर्पस है, वो है कि अच्छा ग्रो करना, फैमिली के लिए एक अच्छी इनकम, और इनकम को बड़ा करते जाना, अपने आप को ग्रो करना। तो ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में है तो इस चीज में से आप इजीली बाहर निकल जाओगे। वरना बहुत सारे दोस्त हैं जो दिन रात इसी चीज पे, सीरीज की सीरीज, जो मैंने ऐसा भी देखा बहुत सारे लोगों को कि हाँ जी, कि जो सीरीज है ना, अगर उनके एपिसोड कुछ भी हैं, अगर वो 10 दिन की है, ठीक, उसको 5 5 दिन में, 4 4 दिन में खत्म कर देते हैं, वो सब टाइम ही यहाँ दे रहे हैं, ठीक है? तो हमें इसी चीज की मैनेजमेंट करनी है कि हाँ जी, कि हमें अपना टाइम देना कहाँ। पीपल स्पेंड देयर मेजर एक्टिविटीज, पीपल लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, ठीक है? ठीक, आपका आपका मेन कीमती टाइम, हैवी टाइम क्या है, बहुत माइनर सी एक्टिविटीज, छोटे मोटे काम करने में वहां लगा रहे हैं, ठीक? एंड जो आपका कम टाइम है वो वहां लगाते हैं जहां पे कोई बड़ा काम है, कोई मेजर एक्टिविटी है। कम टाइम को वहां लगाएंगे, ज्यादा टाइम को माइनिंग पे लगाएंगे। तो ये शायद सर्कल को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, इसको थोड़ा चेंज करने की, राइट? जिससे क्या होगा कि हाँ जी, कि आपकी स्पीड वर्किंग में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको, आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट पता लगेंगे। ऑलवेज मेक टू डू लिस्ट, आपके पास में दिन की शुरुआत जो हमें करनी है उसकी लिस्ट होनी चाहिए। वो लिस्ट आप एक दिन पहले, एक रात को, शाम को आप एक दिन पहले बनाओगे, तब हम दूसरे दिन इंप्लीमेंट करेंगे। अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जब किसी के घर में शादी होती है तो शादी की प्लानिंग्स कितना टाइम पहले चलने लग जाती हैं, कपड़े वगैरह जो भी कुछ होता है, ठीक है? तो अगर घर में कुछ भी खाने पीने का कुछ भी होना है, तो वो सारी चीजें पहले प्लान होती हैं, राइट? तो यही चीजें क्या है कि अगर हम भी अपनी लाइफ में इसे लागू करें, अगर आप बिजनेस में आए हो, अगर आप फॉरएवर में आए हो, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज जरूरी है कि आपके पास में दूसरे दिन की जो प्लानिंग है वो आपको एक दिन शाम को पहले कर लेनी है, तभी हम उसको फ्री माइंड सुबह कर पाएंगे। अगर हम मॉर्निंग की मॉर्निंग उसको करेंगे तो वो सारी चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है जी? तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारी जो एक्टिविटी है ना, वही चीज है कि हाँ जी, मेजर और माइनर, तो वो टाइमिंग्स की फ्लक्चुएशन हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगा, और वहां पे हम कंफ्यूज रहेंगे। तो एक दिन पहले अपनी लिस्ट को प्रॉपर बनाएं। अगर हमने लिस्ट नहीं बनाई होती तो क्या होता है, तो आप देख सकते हो कि हाँ जी, कि हमें यही नहीं पता कि हाँ जी, हमें किसको कॉल करनी थी या क्या करना है, या हमें अपना यहाँ पे टाइम इतना देना है, या मुझे कोई और काम भी था तो मुझे वहां पे भी जाना था, तो मैं उसको इतना टाइम उसके साथ कॉल पे, वो सारी चीजें, तो हम वो सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, मैनेज ही नहीं हो पाएगा, ठीक? अगर हम एक उसको प्रॉपर प्लान के साथ में नहीं करेंगे। सेट योर गोल्स एंड प्रायोरिटी वाइज वर्क, राइट? अब आपको भी पता, सिंपली गोल्स होने चाहिए, आपको सेट करने पड़ेंगे। अब जब मैं इस सिस्टम में आया था, उस टाइम पे मैंने
गोल बनाया था। मेरी फैमिली बहुत ज्यादा करूँ फार्मर फैमिली से हूँ, राइट, तो यहाँ पे घर से कोई सपोर्ट नहीं थी। तो उस टाइम पे जब आया था तो मैंने कोई चीज माइंड सोच के सिर्फ एक चीज थी, जब यहाँ पे पहुंचा इन ट्रेनिंग्स को देखा कि हाँ जी उस टाइम पे गोल जरूर बना कि हाँ जी, वो कहते हैं ना कि हाँ जी चाहता तो हर कोई है आगे बढ़ना, बट बात ये है कि जो अच्छा सोचना शुरू करेगा उसके साथ अच्छा होना होगा आगे जाके, ठीक शुरू होगा। पर हम क्या करते हैं, हम सोचना ही नहीं करते, सोचना स्टार्ट ही नहीं करते। तो हम देखते हैं कि हाँ जी कि सोचना उस चीज के लिए कि गोल मान लो हमने बनाया कि हाँ जी कि मुझे अपनी इनकम इतनी करनी है एज अ स्टार्टिंग पीरियड में, एक शॉर्ट गोल की तरह, राइट, एक शॉर्ट गोल बनाओ, उसके बाद में एक बिग गोल बनाओ, पर एक स्टेप बाय स्टेप पे चलना, राइट। तो आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स और अपने लीडर से भी सीखने को मिलेगा, पर वो सारी चीजें सेम रहेंगी कि हाँ जी कि हमें उसके साथ साथ में अपने काम पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हम गोल बना लिया पर हम अपने काम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, हम अपने वर्क को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, हम शादी में जा रखे हैं, हमने गोल तो बना लिया, शादी में जाके लोगों को बता रहे हैं कि हाँ जी कि काम कर रहा हूँ, ठीक है ऐसा कुछ, और उस टाइम पे जब हमारा काम करने का टाइम है तो उस टाइम पे क्या होगा कि हाँ जी कि हम बोल देते हैं अपनी टीम को या किसी को कि हम शादी में हैं, हम आज काम नहीं कर पाएंगे, या मान लो हम आज मीटिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि पहले सबसे बड़ी बात है, जब तक आप एक अच्छे लीडर एक अच्छे मैनेजर नहीं बनते, राइट, तब तक आपको ठीक ये शादियां ये मूवीज टीवी वगैरह और भी जितने भी काम हैं ठीक वो सारे छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। हम लोगों ने भी छोड़े हैं इन चीजों के लिए, ठीक। आज क्या है, आज एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आज एक टाइम को भी मैनेज करते हैं, सब चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। तो मेन क्या है कि हाँ जी कि हमें इस मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा कि ये मैनेजमेंट कितनी बड़ी चीज है, जिसको हम सिर्फ एक इतने से वर्ड में हम बात कर देते हैं कि मैनेजमेंट, बट ये मैनेजमेंट मनी की मैनेजमेंट होगी। आपकी फैमिली में बहुत सारे ठीक फैमिली पर्सन हैं, वो देखा होगा जिनकी फैमिलीज बढ़ी हैं, मनी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है, वर्क मैनेजमेंट करनी पड़ती है, वो सब चीजें अगर हम करते हैं ये बहुत इजी है करना, अगर आपने समझा तो। अगर आप समझोगे तो कर पाओगे, अगर आपने समझा ही नहीं तो वही चीज आ गई कि हाँ जी कि हमें वर्क है, वर्ड बहुत छोटा है पर हमें लगता बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो वही चीज है कि काम 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 कौन करेगा, काम तो आपको पता ही है, अगर काम करेंगे तभी एक अच्छा नाम होगा, एक अच्छी इनकम होगी, एक अच्छी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, ये सारी चीजें तभी बनती हैं। गांव वाले भी या हमारे घर वाले भी तभी एक अच्छी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेंगे कि हाँ जी कि हमारा पर्सन या हमारा घर का एक बंदा एक अच्छी इनकम के लिए आगे जा रहा है या मेहनत कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको इस चीज पे देखनी पड़ेंगी, क्लियर है जी। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, अब आपको ये सारी चीजें शायद सबको पता है, ठीक, टाइम पैसे से ज्यादा कीमती है, बट इस टाइम पे दिखता है कि हाँ जी कि पैसा कीमती है, पर आप लोगों को ये चीज देखनी चाहिए कि हाँ जी टाइम ही हमें पैसा कमा के दे सकता है, ठीक, इस तरीके से तो नहीं। अगर हमारे पास टाइम मिला तो हम उससे पैसा 4 गुना 10 गुना 20 गुना जितना मर्जी कमा सकते हैं, ठीक। यू कैन गेट मोर मनी बट यू कैन नॉट गेट मोर टाइम, आप पैसा ज्यादा कमा सकते हो पर आप टाइम ज्यादा नहीं कमा सकते, ठीक, आप पैसे के साथ में टाइम को खरीद नहीं सकते, ठीक, बट टाइम के साथ में आप पैसा जरूर बना सकते हो, अपनी लाइफ में एक अच्छा पैसा जरूर बना सकते हो। तो टाइम की वैल्यू को समझें, टाइम आपके लिए एक एक सेकंड कीमती है, एक एक सेकंड जो निकल रहा है ना वो दोबारा रिवर्स नहीं होगा, वो दोबारा नहीं आएगा। तो हमें इसी चीज के लिए समझना है कि टाइम को कितना ज्यादा हमें एक अच्छा टाइम या एक अच्छा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में प्लेटफॉर्म ही इतना बड़ा, ठीक है जी। तो आई थिंक आप लोगों को जो चीजें मैंने अभी कुछ पॉइंट्स क्लियर किए, ठीक, तो आपको समझ आए होंगे। तो इस चीज को अपनी डेली लाइफ में भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और आपकी अभी एक अच्छा बिजनेस आपने स्टार्टअप किया है, राइट, आज डिसीजन लिया है,
तो उस चीज के लिए भी आपको बहुत अच्छा आदा, आपको ग्रो करने के लिए इन पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो और भी बहुत सारी इसी तरीके से आपको आगे के सेशंस मिलते रहेंगे, ठीक है जी। तो कल का भी वर्कशॉप है, तो कल की वर्कशॉप में और भी बड़े लीडर्स हैं, तो जो आपको बहुत सारी चीजें और क्लियर करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है जी। सो कल मिलते हैं, ओके जी, थैंक यू।